चलिए, बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि आप लोगों से बातें करेंगे। काफ़ी लंबा समय आपका साथ रहा है, तो अपना उद्देश्य था कि आप लोगों से मिलें, बातचीत करें और कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने। कोई समस्या आपस में कुछ उभर रही हो, कुछ कोई चिंता हो रही हो आप लोगों को, उसको सुनने के बाद उसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर विचार करेंगे। यही सब लेकर के आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी थी। और आप लोग 2021-22 से इसमें जुड़े हुए हैं। 2021-22-23 3 साल की जर्नी हमारी होगी साथ में रहते हुए। और एक बात हमारे मन में थी कि हम कुछ चाहते थे कि हमारे देश के तमाम पूरे गांव से, छोटे छोटे शहरों से तमाम बच्चे, तमाम प्रतिभाएं जो यूपीएससी करना चाहती थीं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाती थीं, उनको लेकर के एक हमारी पूरी टीम है, हमारे इस दिया दिल्ली की, दिया दिल्ली फाउंडेशन की टीम पूरी है। और आपके साथ के ही लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं इसमें, जो आपसे पहले से इस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं लोगों के मन में बात आई थी कि हमको अपने भाइयों के, छोटे भाइयों के साथ मिलकर के उनको, उनका कुछ ऐसा काम किया जाए कि उनका कल्याण हो जाए, उनका जो चाहते हैं जर्नी, उस जर्नी में उनका साथ दें। इन्हीं भाव के साथ अपना ये संभवम प्रारंभ किया गया था। हम ने संभवम प्रारंभ किया, फिर बाद में हमारे साथ सोनू सूद जी जुड़ गए और उन्होंने जब साथ हमारा दिया, तो हम लोगों ने एक जो छोटे से दायरे में हम अपना काम कर रहे थे यूपीएससी के बच्चों के साथ, तो दायरा हमारा बढ़ा, हम आप तक पहुँचे किसी माध्यम से। और तमाम तरह के टेस्ट लेकर के अपने जो अच्छे बच्चे हमको लगे, जो हमारे पैरामीटर्स पे आ रहे थे, उनको हम लोगों ने अपने से जोड़ा। और प्रारंभ में हो सकता है बहुत अच्छे टीचर्स नहीं रहे होंगे, लेकिन डे बाय डे और ईयर बाय ईयर हम लोगों ने कोशिश किया कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर को, जहाँ से बेस्ट टीचर हमको मिल पाए, पूरी ताकत लगाई गई कि बेस्ट टीचर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ताकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना फील हो कि ये लोग बहुत बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं, बिना पैसे के हमको पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, या कुछ कम पैसे, बहुत मिनिमम पैसा लेकर के हमको इतनी बड़ी कोचिंग देने जा रहे हैं। तो आपके मन में कहीं ये भावना पैदा हो कि जैसे फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फ्री वाला ही व्यवस्था बना रखी होगी, जिसमें अच्छे टीचर नहीं होंगे, लोग काम चला रहे होंगे। कोई हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी संस्था है, गायत्री परिवार, हार्वर्ड गायत्री परिवार, जिसका केंद्र शांति कुंज हरिद्वार है और वह युग निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन को के अंदर विचार क्रांति फैलाने का एक संकल्प लिया था, हम लोग उसी संकल्प की कड़ी में अपने संभवम को जोड़ते हैं। और जो प्रतिभाएं, युवा प्रतिभाएं देश को आगे, जिनके हाथों में सौंपा जाना है, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ रही थी, पड़ती है, उनके साथ हम खड़े हुए। और ये प्रेरणा चूंकि उनसे मिली और बहुत कम पैसे में, बहुत कम अपने संसाधनों में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। 1 साल में, 2 साल में काफ़ी परेशानियां हम लोगों को रही, आर्थिक परेशानियां रहीं, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने मैनेज कर लिया और आगे बढ़े। आपने देखा होगा, जो 21 के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि उस समय टीचर्स बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, हम लोग नया नया साल था हम लोगों का, तो उस समय काफ़ी समस्याएँ आई, टीचर्स से भी समस्याएँ हमको आई और सहयोग भी मिला, दोनों बातें हुई, टीचर्स ने सहयोग भी किया, मेंटर्स ने सहयोग किया, कई कई समस्याएं भी आईं, फिर भी हम लोग डटे रहे, हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाने में अपने आप को लगा दिया। 2021 का बैच आगे निकला, 2022 में बहुत अच्छे बच्चों से आप लोगों का संपर्क हुआ, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़े, और फिर हम लोगों ने अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग, कोचिंग, टीचर्स की क्वालिटी लेवल उनका और अच्छा बढ़ाया, काफ़ी अच्छा बढ़ाने की कोशिश किया। और भगवान की दया से, सब लोगों के सहयोग से इतना अच्छा रहा कि हम लोग आज गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। 2022 का बैच बहुत अच्छा निकला हमारे लोगों के लिए, हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे बच्चे हमको मिले और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़े हमसे। 2023 का बैच भी बहुत ही शानदार रहा और हमको बड़ा गर्व फील होता है कि हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आज करीब 7800 बच्चे, 7800 बच्चे हमसे जुड़े, और उन सब की तैयारी करने के लिए, इस पूरे मास को तैयार करने के लिए, पूरे मास को की
की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी उनके सपनों का सम्मान करते हुए, कैसे उन तक हम उनके सपनों को पूरा करें, इसके लिए हमारे लोग टीम, हमारे अखिलेश जी हैं, मैं हूँ, हमारे पीयूष जी हैं, हमारे मनीष जी हैं, सब चार पांच लोगों की एक टीम जो है वो लगातार काम करती रहती है। पूरे समय हम लोग अपना आप लोगों के लिए प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है आप लोग सो जाते होंगे, आराम कर लेने लगते होंगे, छोड़ कोई बात नहीं, देखेंगे कोई क्लास देख लेंगे, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी हम लोग सोते नहीं। सोने मतलब आराम, हम लोग आपसे डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होते हैं। हम लोग जब भी बातें करते हैं, हर समय चिंतन अगर चलता है तो हाउ टू बेटराइज अवर एफर्ट्स, और अच्छा कैसे कर लें, आपको कैसे आपको बेस्ट हम कर सकें। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल हम लोग अपना सुपर 200 हमने लॉन्च किया। लॉन्च करने के पीछे एक रीज़न था कि बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े तो ज़रूर थे, लेकिन बहुत अच्छे होने के कारण जो फाउंडेशन से ऊपर उठ चुके थे वो लोग प्रायः हमारे, चूँकि फाउंडेशन का हम लोग क्लास दे रहे थे, फाउंडेशन की क्लासेस से वो ऊपर उठ चुके थे, उनकी तैयारी थोड़ा ऊपर थी, तो कैसे उनको जुड़े रखा जाए, कैसे उनको भला किया जाए, कैसे उनकी हेल्प की जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने सुपर 200 स्टार्ट किया। सुपर 200 के माध्यम से हमने यहाँ पर अपना दिल्ली में एक अपना स्टूडियो बनाया, अपने क्लासरूम बनाया, यहाँ पीजी खोला, यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया, बॉयज़ पीजी लिया, गर्ल्स पीजी लिया, सब कुछ लेकर के, सारी व्यवस्थाएँ लेकर के यहाँ आपके सामने आए। और सुपर 200 के जो बच्चे हमारे हैं उनको पता होगा कि जिस तरह की उनकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है, हम जानते हैं, इसलिए पूरे आज कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं कि वो तैयारी का लेवल आपका, हमारी तरफ से जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में जो हम यहाँ पे आसपास में जो पूरा भंडार है यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उनके जो बच्चे यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं चारों तरफ, हमसे मिलते रहते हैं, जब उनसे पूछते हैं क्या करते हैं आप लोग, वहाँ पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, और क्या क्या उनका लेवल क्या है, कैसे कोर्स चल रहा है, क्या क्या पढ़ाते हैं आपको फाउंडेशन में, क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं, तो जो उनकी तरफ से रिपोर्ट हमारे पास आती है वो जब, और फिर जब अपने तुलना करते हैं उनसे, तब हमको एहसास होता है, अपने ऊपर ये गर्व भी होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हम पर है कि जो हमको इतने कम संसाधनों में, इतनी कम व्यवस्थाओं में इतना अच्छा करने का मौका मिला, और सब ईश्वर की कृपा है। ये बहुत सारे संस्थाओं में, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, जो कॉमर्शियल संस्थाएं हैं, वो सब पैसे बहुत लेते हैं, बहुत सारे पैसे ले करके बच्चों को जो कोर्स देते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है, जबकि हम लोगों ने बिना पैसा लिए हुए इतना सारा कोर्स दिया आपको। और आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बड़ी बड़ी नाम वाली संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में जुड़े हुए थे, लेकिन क्लास लेने हमारे यहाँ चले आते हैं, हम लोगों से संपर्क करने आ सकते हैं कि सर हमको आपके यहाँ अच्छा लगता है, तो ये संतुष्टि की बात है हम लोगों के लिए। हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगता हो, हमारे किसी प्रयास में आपको लगता हो कोई कमी हो रही है, तो अपना ये उद्देश्य है कि हम आपके किसी भी प्रयास में, अगर जो भी आपकी क्षमता है उस क्षमता को कितना बेटरमेंट कर सकते हैं, उसका कितना आपको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा प्रयास उसके लिए जारी है। आप लोगों के साथ में क्या है, एक पक्ष तो हमारा हो गया जो हमने अपनी बात कही कि हमारी तरफ से वो हर प्रयास चल रहा है कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। जो बेस्ट फैकल्टीज़ आपके इंडिया की हैं कोचिंग में हर सब्जेक्ट की, बाकी संस्थाओं में एक दो फैकल्टी होती है उस लेवल की जिसके नाम पर संस्थाएँ चलती हैं, लेकिन आप विश्वास करो कि अपने यहाँ जो कोचिंग जो अपने फैकल्टीज हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, सारी उसी तो उनके टॉप लेवल की जो कोचिंग एक दो टीचर्स होते हैं वो उस लेवल के टीचर्स हमारे सारे टीचर वही हैं। उनके यहाँ कितने कितने पैसे लेते हैं, 15,000-20,000 रुपये पर आवर लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम पैसे में, हम जो उनको पता है कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हम लोग हेल्प कर रहे हैं बच्चों के साथ में लगे हुए हैं, तो हमारी भावनाओं का कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए, वो पूरे मन से हमारे साथ काम करते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ, जिन भावनाओं के साथ हम आपके लिए काम करते रहते हैं, उन्हीं भावनाओं का प्रदर्शन का अनुभव हमको उनके अंदर भी होता है जो टीचर हमारे हैं। हमारे मेंटर्स जो हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, उनको लगन होती है, कोई वो यहाँ नौकरी करने नहीं आते हैं। टीचर्स भी हमारे ऐसा नहीं करते हैं कि कोई यहाँ कोई नौकरी करने के उद्देश्य आ रहे हैं, कोई पैसा कमाने आ रहे हैं, उनको देना पड़ता है पैसा, लेकिन उनका जो भाव होता है, उनको पता है कि इसके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं बड़े बच्चे अच्छे, इसलिए वो भी बड़े पूरे मन से काम करते हैं, हम लोग गाइड करते रहते हैं। आपको सोनू सूद जी पिछले साल में हम लोगों ने मीटिंग किया था, जब हमारे टॉपर्स के साथ में मीटिंग हुई थी, तो टॉपर्स ने भी गाइड सुझाव दिया था कि कुछ अच्छे बच्चों को जो बेटर कर सकते हैं उसको बेटर करिए, उनके लिए कुछ ऑफलाइन के कुछ ऑप्शन दीजिए, तो इन सबको तमाम चीज़ों को मिला करके
अपने संसाधनों को, आपकी भावनाओं को मिला करके, आपकी आवश्यकताओं को देख करके और अपनी सामर्थ्य को देखते हुए हम लोग जो बेटर हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आप लोग भी कुछ उससे प्राप्त कर रहे होंगे। बस एक चीज़ हमको लगता है कि हमारे साथ 7,800 बच्चे हैं और अक्सर ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं कि सबको अपना नए बैच में जोड़ना चाहते हैं कि नए बैच में आप लोग जुड़ जाइए, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे अवॉइड करते हैं। यूपीएससी कोई एक साल के पढ़ाई में कोई निकाल ले जाएगा, संभव नहीं होता है। अगर आप लोग कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े रहते हैं, हम तो निश्चित रूप से हम फाउंडेशन से ऊपर की बातें भी आपको, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। अगर आप लोग स्टक रहेंगे उसी पर, फाउंडेशन पर अटके रहेंगे, तो हम भी अटके रहेंगे। हमारी सारी पूंजी आप लोग हैं, हम लोग सारा ध्यान हमारा आप पर रहता है। हम लोग कमाने यहाँ नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ कमाने के उद्देश्य आया हुआ है, कुछ पैसा बनाने आया हुआ है आपसे, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं अपना समय सामर्थ्य धन जो कुछ होता है अपने आप लोग लिए लगाते हैं। तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिन भावनाओं के साथ हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय 4 ईयर का 4 साल का जो समय लगाया हुआ है और आगे रखना चाहते हैं, उन भावनाओं को आप समझें और उन भावनाओं पर भी आप लोग भी, आपकी जो भूमिका है उस भूमिका पर आप लोग खड़े उतरें। ऐसा ना हो कि हम तो लगा देते हैं, पूरा सारी सामर्थ्य लगा रहे हैं अपनी, और आप लोग इसको चूंकि फ्री का है, आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, आपका कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आपने 3 लाख रुपये फीस जमा किया, 2 लाख रुपये फीस जमा किया हुआ है, आपका पैसा फंस गया है इसलिए जाना है क्लास में, और चूंकि यहाँ पैसा नहीं लगता है इसलिए छोड़ो जाने दो। तो लेट गो वाला जो सिस्टम है कि फ्री का है इसलिए हम लोग अवॉइड करते रहें, इसको ये मत करिए। हम लोग इससे बड़ा दुखी होते हैं, और दुखी कितने होते हैं आपको अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, कितना कभी कभी क्रोध लगता है आप लोगों पर, दुख भी होता है क्रोध भी होता है कि बच्चे हमारे जिनके लिए हम लोग इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे किस तरीके से हमको लेते हैं। हमारे क्लासेस में 50, 60, 100 से अधिक बच्चे नहीं होते, जबकि उसमें 500, 700, 800, 1000 बच्चे अपीयर होने चाहिए। लाइव क्लासेस का जो सिस्टम अपने यहाँ बना रखा है हमने कि यहाँ पर इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन आपसे होता है, अपनी क्वेरी आप तुरंत रेज कर सकते हैं, आपको वहीं पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना सिस्टम कहीं पर नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कोचिंग हैं जो अपनी ऑनलाइन रखती हैं व्यवस्था, कहते तो ऑफलाइन है, हमने यहाँ ब्रांच खोल दिया, वहाँ ब्रांच खोल दिया, लेकिन मैक्सिमम होता क्या है कि उनकी उस ब्रांचेस में टीवी लगा देते हैं, बिठा देते हैं लोगों को, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, अपना बच्चे सफाई देखते रहते हैं। हमारे सिस्टम वो नहीं है। हमारा सिस्टम यह है कि हम लोग सीधी बातें करते हैं, हमारा टीचर सीधी बातें करता है आपसे। तो लाइव क्लासेस इसलिए रखी जाती हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके। आप लोग उसमें नहीं आते हैं, बहाना क्या होता है कि नहीं सर हम तो आपकी क्लासेस को बाद में देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, आपके ऐप पर देख लेते हैं, तो ये उतना अच्छी बात नहीं। हमको वो भी पता होता है कि कितने बच्चे इसको हमारे यूट्यूब में कितने बच्चे हमारे ऐप में आते विजिट करते हैं, कौन कौन बच्चे आते हैं, सब पता होता है। बहुत सारे बच्चे, अगर हमने 5,000 बच्चों को, 2,000 बच्चों को हमने दिया ये स्कॉलरशिप दिया, तो स्कॉलरशिप का इतना दुरुपयोग करते हैं कि 2,000 बच्चों में से 200 बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ाई करते। दिस इज़ नॉट गुड। हम अगर अपनी सामर्थ लगा रहे हैं सारी, और वो सामर्थ लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाते हैं, बहुत पैसे वाले जिनके 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपये हर साल कमाते हैं, वो लोग वो काम नहीं कर पाते जो हम लोगों ने छोटे छोटे अपने अंशदान के साथ में जो व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था के माध्यम से जो करते हैं उसके सामने बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग इसको बहुत लेट गो मत किया कीजिए। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो हमारा भी मनोबल टूटता है, हम भी निराश होते हैं कि हम किन के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हर ऐसा मत सोचिए कि हमने तो एक सिस्टम बना दिया और उसमें 2,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बच्चे के लिए यहाँ पर उस पर व्यय आता है, खर्चे पड़ते हैं, और हमारे पास कोई हमारा कोई फंडर नहीं है, किसी हमको फंडिंग नहीं होती, कोई हमको गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है या कोई हमारा कोई संस्था हमको फंड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो बनाई जाती हैं हम लोग जनरेट करते हैं उसको, और कम से कम में काम करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों में एक बजट बना रहा था, बजटिंग कर रहा था, तो कैलकुलेट किया था कि पिछले 3 साल में हम लोगों ने करीब 200 करोड़ रुपए अपने बच्चों के गार्जियंस के बचाए हैं। अगर प्रॉपरली ये करते हैं तो 200 करोड़ बच्चे हमने अपने बच्चों अपने जो बच्चे सॉरी 200 हमने बोल दिया 700 करोड़ रुपए हमने अपने बच्चों के गार्जियंस के पैसे बचाए हैं।
अगर आपको यही पैसे, अगर आपको यही इस स्तर की या इससे 70% 50% लेवल की भी कोचिंग करनी होती तो भी आपके माता पिता के, आपके गार्जियंस के 700 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुए होते। इतना पैसा हमने बचाया है। तो ये पैसा बचाया क्या है? आपका बचाया है, हमने अपना नहीं बचाया। हमने तो जो कुछ हमारे पास था हमने लगा दिया आपके लिए, हमने आपके गार्जियंस के पैसे बचाए। तो जब हम आपका पैसा बचा रहे हैं आपको और बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं तो आप लोग क्यों पीछे रह जाते हो? आपका जो धर्म बनता है, एक एक जो विद्यार्थी का धर्म बनता है, विद्यार्थी का एक एस्पिरेंट का जो धर्म बनता है, उस धर्म पर अगर आप नहीं आगे बढ़ोगे, आगे नहीं चलोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। दोनों पक्ष, अगर एक गुरु है एक शिष्य, जब तक तो शिष्य गुरु का वर्णन नहीं कर लेता है, किसी को अपना गुरु नहीं मान लेता है या गुरु किसी को शिष्य नहीं मान लेता है, तब तक जो ट्रांसमिशन होता है वो हो नहीं पाता। तो हम लोग तो आपको प्रिय माने हुए, अपने बच्चे की तरह मान प्यार करते हैं, उनको इस तरह मानते हैं, लेकिन तो आप लोग हमको कैसे देखते हो ये आपको जान, इसका आकलन करना, इसकी समीक्षा करना, आज जाकर के शाम को घर जा बैठना, आराम से समीक्षा करना कि जिन भावनाओं के साथ संभव की टीम हमारे लिए सब कुछ कर रही है, क्या उन भावनाओं के साथ जो हमारी भूमिका है, एक विद्यार्थी की जो भूमिका है, एक एस्पिरेंट की जो भूमिका है, उस पर हम खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, कि समीक्षा जरूर करना। और छोटी छोटी बातें, हम कभी कहते हैं कि भावावेश में हम नाराज होते हैं, आप लोगों से गुस्सा भी होकर बातें कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे गुस्सा कभी नहीं होते हैं। हमें आपकी छोटी छोटी बातों से कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन आपसे कभी नाराज नहीं होते। हम और अधिक लग जाते हैं आपके लिए, और अधिक कोशिश करते हैं कि और क्या करते हैं। अभी देखिए, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े थे इस साल में, उनको जो बच्चे उसमें से जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए इस बार अपियर हो रहे हैं, उनके लिए हमने फिर से खोल दिया, सारा कुछ खोल दिया कि सब कुछ करा रहे हैं। वो जो कोई कोचिंग नहीं कराती, वो कुछ वो व्यवस्था हम करा रहे हैं, वो भी फ्री आपका करा रहे हैं। उसके लिए हमारा पैसा, हमको पेमेंट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन सबकी कोई ऐसा बच्चा जिसने हमारा 2023 का जो बैच नहीं ज्वाइन किया था उसको भी, या ट्रिपल टूर्नामेंट नहीं ज्वाइन किया था उसको भी, सबके लिए हमने खोल दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ है आपके लिए। हम आपको किसी और बेटे और किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं मानते, पुत्री नहीं मानते, हम आपको अपना बच्चा मानते हैं, हम आपको अपना भाई अपना बहन मानते हैं, और चाहते हैं कि आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो चाहते हो बनो, हमारे अंदर है। तो ये हमारी भावनाएं थी, इसको हम लोग सॉरी, तो ये हमारे मन की बात थी। अभी आप लोगों कुछ कह, हम चाहते हैं आप लोग भी कहिए, हो सकता है हमसे कुछ ऐसी बातें इस पूरी जर्नी में हमसे गलतियां हो जाती हों, जो आप चाहते हो उस पर हम खरे नहीं उतरते हो। तो जो भी समस्याएं हैं, अभी हमने दिया था कि आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज की डेट का, आज के 3 साल पहले जो संभव था और आज जो संभव है, बहुत बड़ा अंतर है। आई नो इट, हमें पता है कि हमारा बड़ा स्तर बहुत बड़ा हुआ, कोचिंग का स्तर ऐसा बढ़ा हुआ है कि बड़ी से बड़ी कोचिंग जिसका आप लोग नाम जानते हो, जिसके नाम पे आप लोग टूट पड़ते होंगे, उस कोचिंग में भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कोचिंग जो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो इसका लाभ आप लोग लें। आपसे हमारा जो एसोसिएशन है 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से है पहले से, तो हम चाहते हैं आप लोग इसका पहले लाभ लीजिए। जो कुछ हमने पढ़ाया है उसके आगे हम पढ़ाने की तैयारी करेंगे, और अच्छा करने की तैयारी करेंगे, अभी मेंस के लिए, फिर उसके बाद फिर और की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू, सारी व्यवस्थाएं करेंगे जो हो सकती है, जो आपको चाहिए। लेकिन आप हमसे जुड़े रहो और जैसा चाहते हैं, जितने डेडिकेशन से हम लोग काम करते हैं उसी डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी करो तो बात बनेगी, तो मजा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने हाथ हैंड रेज करेंगे, और जो बातें आप लोग करना चाहते हैं, इसमें दो बातें करनी है कि हाउ वाज योर जर्नी, आपको हमसे क्या लगा, अच्छा लगा? अब हमने तो अपनी प्रशंसा कर लिया, आत्मसंतुष्टि दिखा दिया कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमारी जर्नी अच्छी हो रही है, हमारी जर्नी मतलब संभवम इज गोइंग बेटर, संभवम इज नाउ कम्पीटिंग विद अदर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हु आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उनसे हम कम्पीट कर रहे हैं और अच्छे लेवल से कर रहे हैं, क्वालिटी क्वालिटी के मामले, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है मान लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कोचिंग हमारी उनसे बहुत अच्छी चल रही है, हम जानते हैं, लेकिन आपकी निगाह में कैसा है इसको आप बताएंगे, उसमें क्या सुधार हो सकता है वो भी बताइए। ठीक है, आप लोग एक एक करके अपनी बातें करें, ए वन बाय वन आप सुरदीप जी बातें करें बोलेंगे, अपना आप माइक ऑन कर लीजिए, एक एक सब लोगों नहीं, एक एक करके बोलिएगा, और लंबा नहीं, कम शब्दों में अपनी बातें कहिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमने जो किया अच्छा किया, नहीं आपकी आपका आपका आकलन कैसा है और आप क्या चाहते हैं, दोनों बातें करिएगा।
कम शब्दों में करिए, तो मनोवैज्ञानिक उसका किया गया था ना अध्ययन साइकोलॉजिकल। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे, आप मेरा नंबर ले लेना, मैं बात कर लूँगा। ठीक है ना, मेरे पास आया था, सबका आया था, मैं बता दूँ, मेरे पास मेंटर्स का जो जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका सबका रिव्यू आया था कि हर बच्चे का उन्होंने एनालिसिस किया था। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके रुक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ओके, हमने पेमेंट दी है इस चीज को लेकर, कंट्रीब्यूशन जो फीस है वो दी है, उसके हिसाब से हमें एक वैल्यूएबल टाइम और एक तरह से जो भी हम चीज मांग रहे हैं तो चीज की डिमांड पूरी कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सुपर फंडेड हमने पीडीएफ मांगी है हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हमें हिंदी में पेपर देना है सी सेट का, और यहाँ तक के पेपर आंसर की भी हमें प्रॉब्लम नहीं की गई। कैसा क्यों है? हाँ रोबिन जी, आपका जो कंसर्न था, जो अभी सीसेट का असाइनमेंट दिया गया है ना, उसकी बात कर रहे हैं आप जी? तो वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर, कैसे हमने कंसर्न लिया था, कुछ कारणों से सर दे नहीं पाए थे हमें, हमने कई बार सर से कहा था। ठीक है, जो भी होगा वो कंसल्ट कर लिया जाएगा। और ये आपने कही रिप्लाई वाली बात, तो रिप्लाई वहाँ पे इसलिए नहीं किया जाता कि हर चीज़ का रिप्लाई जरूरी नहीं है, वो चीज़ हम काम करने लगते हैं ना उस पर, इसीलिए नहीं। ऐसा है कि आपकी अपनी बातें आपने कही, ठीक है, आपने आपका अपना कंसर्न होगा, आपकी भी सोच है, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, हम लोग जो जो कोई योजना बनाते हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं की जाती है, उसमें सारे लोगों का हम लोग टीचर्स से मेंटर्स से और सारे बच्चों को लेकर के सबसे कंसल्ट करते हैं, तब कोई प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें अभी एंसर की अपलोड होने में थोड़ा लेट हो गया हो, हमारी जो मेंटर थी उनको प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, लेकिन जो प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम खाली एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनता है, वो सारे बच्चों को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है, एक कंबाइंड उसमें कंपोजिट प्रोग्राम बनता है जो प्रोग्राम बना हुआ है, इसलिए जितना कुछ किया गया जो हर लेवल के बच्चे इसमें हमारे पास हैं तो सबको ध्यान रखते हुए कंपोजिट इस प्रोग्राम बनाया जाता है। और सब सुपर 200 क्या होता है, आप लोग किसी आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज यहाँ जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में हैं और बाकी ऑनलाइन के बच्चे हैं उन सब का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, विद इंजॉइंग वेरी मच, और टीचर्स का लेवल जो बनाया गया है उस लेवल आप मेरे ख्याल में कहीं और बाहर जाके देखना, कभी पता कर लेना, इस स्तर के टीचर आपको इस लेवल की कोचिंग मतलब जो जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाते हैं आपको, चाहे आशीर्वाद सर हों, चाहे आप नचिकेता सर हों, ये सब जो जिस लेवल से आपको आपको गाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को, हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि किस व्यक्ति भी एक एक चीज़ों से एक चीज व्यक्ति एक चीज़ से कैसे हमारी 10 चीज़ें कवर हो जाती, तो वो कोशिश करते हैं अपना, इसलिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स का इतना शानदार प्रोग्राम बनाया हुआ है, करंट अफेयर्स का, सी सेट का, नचिकेता सर का, साइंस एंड टेक का, ये सब जो चीज़ें जो आपको नहीं पढ़ा पाए थे अच्छे से, जो आज के आपके पीढ़ी में सबसे ज़्यादा जरूरी यही पड़ता है, बाकी तो कोर्स आपका पढ़ा हुआ था, लेकिन ये जो चीज़ें होती है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में काम आती है, इसके लिए हम लोगों ने विशेष फोकस कर रखा है। आपके आपके अपना जो टेस्ट है वो भी चल रहे हैं, वीकली टेस्ट चल रहे हैं, अब फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, साइड चल रहे हैं, इधर बीच में हमारी एक मेंटर है मैडम, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से करीब 5-7 दिन से 10 दिन से करीब उनको प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो फिर से आ गई है, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं हो पा रही है, वो कुछ हेल्थ इशू हो गया इसलिए दिक्कत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कुछ कहीं पीछे हुआ है, विद इन 1 या 2 डेज ये सब रिकवर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट। अपना हैंड रेज करें जिनको कुछ बातें करनी है अपनी, किसी भी सिलसिले में बातें करें, अपना पढ़ाई के बारे में, कोचिंग के बारे में, फिर एडमिशन के बारे में, बहुत सारे लोगों को आ रहे थे कि साल हमने कहा था कि सब लोग ज्वाइन कर लो, अगर अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद अस यू ऑल हैव टू ज्वाइन, अच्छी बातें, ठीक है ना, तो ये बातें कही गई थी, तो अपना जिसको लोग करना है उसको आगे बढ़े, अपनी बातें करें, हैंड रेज कर ले, फिर अपना करते हैं। सुरदीप जी आप करंट कर ले। गुड इवनिंग सोनम, आपका आवाज काफी स्लो है, थोड़ा सा थोड़ा तेज बोलिए। हाँ सोनम प्लीज कंटिन्यू। आपकी लग रहा है
चार्जेस जो हैं ये कि कोई फीस नहीं है। आपको पता है कि मैंने भी आपसे बताया कि 700 करोड़ रुपए काम हम लोगों ने पिछले 3 साल में 4 साल में मात्र 1 करोड़ में किया है। हम जो खर्चे हम कहीं बाहर से फंडिंग हमारे पास नहीं होती ना, हम तो छोटे छोटे अंश से काम करते हैं। ये पैसा हम आपको फीस नहीं देते हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है। वो इसलिए होता है ताकि ये काम चलता रहे। ये मिनिमम खर्चे सर्वर के खर्चे हैं, इसको देना चाहिए। आप मोबाइल अपना रिचार्ज कराती हो नहीं कराती? मोबाइल रिचार्ज कराती हो, ये सब कराती हो? कितना पैसा मांगा जा रहा है? कोई पैसा, कोई फीस मांग रहे हैं? इतना तो खर्चा आपको करना चाहिए अपने लिए, अपना इतना इतना बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हो और इतने छोटी छोटी बातों को अगर आप उसमें परेशान होकर के बातें करोगे तो कैसे बात बन पाएगी? इतना तो अपनी तरफ से लगाना ही चाहिए। आदमी जब कोई बड़े देश लेकर चलता है, इतना अपना सेक्रीफाइस अगर नहीं कर पाएगा उसके अंदर हिम्मत नहीं पैदा होगी। हमने जो शुरुआत की थी इस पैसे की, इसलिए किया था, बता दें आपको, ये बातें आप लोग सोचोगे कि कैसे ये लोग शुरू हुए। एक बहुत, सब लोग सुनना इसको बहुत ध्यान से, बात को, ये पैसे की बात शुरू कहाँ की गई? एक तो प्रॉब्लम आ रही थी कि अच्छे टीचर्स चाहिए थे हमको, आपके लिए अच्छे टीचर के लिए अच्छा पैसा चाहिए। साथ ही साथ हम आपका माइंडसेट, आपकी मनोवृत्ति, मनोस्थिति ऐसा नहीं चाहते हैं कि बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ हाइएस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया, आप इंडिया की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, पीक जब उसके लिए कोशिश कर रहे हो, तो हमारा जो भाव है किसी भी बच्चे का, वो बिल्कुल फ्री में रहने का मतलब होता है कि हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया, हमने 100 रुपया भी नहीं लगाया, हमने 2000 रुपये नहीं लगाए। ये मनोभाव ना पैदा हो जाए किसी के अंदर कि हम बहुत हीन भावना के साथ आप आगे बढ़ोगे तो कैसे आप बढ़ोगे? अपना लगाओगे ना, फिर जिसे ताकत लगाते हो, पढ़ाई करने में समय लगाते हो, समय और अर्थ, तन मन धन, तीन सुना सुना ना कि समर्पण कैसे होता है? समर्पण होता है तन से, मन से और धन से। तन लगाते हो, मन लगाते हो, समय लगाते हो और कुछ अंश लेते हैं आपसे। यह आपका योगदान आपको करना ही चाहिए। जो लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं वो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे, दे आर नॉट गोइंग टू रीच देयर। बात को समझो, हमारी बात को आप लोग, कि पैसा कोई कमाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए, आपसे कोई पैसा हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना तन मन समय और धन, तीनों चीज जितना भी है, आप समय अपना पूरा दो, तन दो, मन दो, पूरा दो जो कुछ आपका सामर्थ्य है, और धन हमने बहुत अल्पकालीन एक आपका कंट्रीब्यूशन से लेते हैं ताकि ये आपके लिए ना सोचो कि यार हम तो बिल्कुल पैसा नहीं दिए, आपके अंदर वो भाव ना पैदा हो जाए कि आप ये तो फ्री वाला है। हम फ्री वाला भाव लेने लेके चलने वाले बच्चों को आप साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ 7000 बच्चों में से मात्र 700 बच्चे हमारे पास सीरियसली आते हैं। अभी हमने कुछ इसमें एंट्रेंस लिया था, एंट्रेंस में सबसे आसान क्वेश्चन इस बार रखे थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की थी, लेकिन आप लोग 2 साल से साल भर से जुड़े हुए हो हमारे साथ में, उस बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाए जो बच्चे फ्रेशर बच्चे आप निकाल लेंगे इतना मार्क्स ले आए। तो कितना आप इसको, कितना सीरियसली आप ले रहे हो, हमको आपकी सीरियसनेस चाहिए। हमको चाहिए कि जो अगर सामर्थ्य, अगर हम अपनी लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, तन मन धन हम लगा रहे हैं, तो तन मन समय और धन हम लगा रहे हैं, तो आप लोग भी लगाओ उसको। इससे बचने की कोशिश जो करता है वो समझो ईमानदारी से यूपीएससी कोचिंग नहीं कर रहा, तैयारी नहीं कर रहा। ये बातें आई थी, बात समझो पहले, आप सुनो बात को। बात ये है कि ये बातें हमारी आई थी, हम लोगों की बातें होती हैं सोनू सूद फाउंडेशन से भी होती रहती हैं, कैसे सर आप लोग कैसे ये बातें हमारी उनके बीच रहती कि हमको आपका मनोबल, आपका स्वाभिमान, आपका आत्मबल ही हाई रखना है, बिकॉज यू आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया। तो अगर आपका मनोबल अच्छा नहीं होगा, आपका आत्मबल अच्छा नहीं होगा, आपका स्वाभिमान, आप स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं होंगे। इसमें स्वाभिमान भी आता है, अगर आप हर चीज आपको ग्रांटेड मिल जाएगा, फ्री में कुछ मिल जाएगा, तो उसकी इज्जत नहीं करते हो। हम आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं होने देना चाहते। हो सकता है आप कह दो कि नहीं, मैं तो सर वैसी हूँ, हो, लेकिन मेजोरिटी एक मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति, हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे, मनोविज्ञान का मैंने समझ है, ये मनोवृत्ति पैदा हो ही जाती है आज नहीं तो कल।
कल आप बहुत आसानी से 2 साल मेहनत करने के बाद छूट चले जाओगे कहीं और जॉब करने के लिए, कहीं और चले जाओगे। हम वो नहीं पैदा होना चाहते हैं। आप 100 रुपया लगा रहे हो, 1000 लगा रहे हो, 2000 लगा रहे हो, 5000 लगा रहे हो, लेकिन आप अगर लगाओगे नहीं तो आप उसका वैल्यू नहीं समझोगे। हमको ये वैल्यू, हमको अपनी वैल्यू, हमको 700 काम अगर हम 1 करोड़ 700 करोड़ काम 1 करोड़ कर रहे हैं तो हमारी उसके अलावा जो हमारा सामर्थ्य लग रही है वो हमारी 699 करोड़ की है, और उसको आप वैल्यू करो। वैल्यू तभी कर पाओगे जब आप अपना कुछ लगाओगे, समय, संसाधन, संसाधन मतलब होता है धन, श्रम और मन, तीनों चीज लगाना, तन मन धन और समय, इतना अगर नहीं लगाओगे तो अंश लगाओ, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ना। 2000 रुपये क्या होते हैं? UPSC को कोचिंग करने 2000 रुपये के लिए आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हो, और ये पैसा हम लेते हैं खाली इसलिए कि इतना सारा एक एक बच्चे के ऊपर इतना पैसा लगता है, और ये आपका उसमें योगदान हो जाता है। हमको भी एक, हमको कोई भीख नहीं मांगना पड़ता ज्यादा, तो आपका आपका योगदान हो गया, आपकी सामर्थ्य से चल रहा है। ये संभवम के बच्चे चला रहे हैं इसको, संभवम कोई कोई संस्था नहीं है, संभवम कोई आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, संभवम एक इनिशिएटिव है, संभवम एक अभियान है जिसको चला रहे हैं बच्चे लोग, संभवम बच्चे चला रहे हैं, आपका आपका योगदान चल रहा है। तो इसको इतना अपने आप को इतना हीन नहीं बनाइए, अपने सामर्थ्य अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के कि 2000 रुपये मांग लिया आपने, 2100 मांग लिया, ये इसको इसको हीनता का भाव न अपने अंदर लाइए, न हमको शर्मिंदा करिए इस बातें करके। आप साथ हमारे रहो, जुड़ो, लगाओ ताकत। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, अभी कोई बीमार पड़ जाता है घर में क्या करते हैं बताओ? अच्छा आपका आपका डेटा खत्म हो जाता है क्या करते हैं? नहीं करता कराते उसको, ये भी उसको मान लो, हम कह रहे ना सर, अगर हमको आप मानते हो कि हाँ ये हमारे लिए हित कर रहे हैं, हमारी बातें अच्छी कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? डेटा खत्म खर्चा हो जाएगा नहीं करोगे? कपड़े आप नहीं बनवाते क्या? कॉलेज नहीं जाते क्या? अपने घर में कोई बीमार पड़ जाता है दवा नहीं लाते क्या? खाना नहीं खाते क्या? जैसे वो करते इतना कर लो, और साल भर में एक बार मांगते हैं आपसे, वो भी छोटा सा अमाउंट मांगते हैं, उसके लिए भी आप लोग इतना ऐसे कष्ट क्यों उठाते हो? तो आपका इससे मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर ये होगा कि हमने पैसे दिए हुए हैं, आप कह सकते हो ना कि हमने पैसे देकर के पढ़ाई किया हुआ, और आप सोचोगे भी ऐसा अच्छा, अच्छी मनोवृत्ति बनी रहेगी, आपका आपका मनोयोग अच्छा बना रहेगा, आपका आत्मसम्मान बना रहेगा। हम आपके आत्मसम्मान की भी रक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा जो राशि ली जाती है वो उससे हमारे हमारा काम चल जाता है, थोड़ा सा सहयोग हो जाता है, और आपका स्वाभिमान मेंटेन रहता है। ये स्वाभिमान राशि है, और जब थोड़ा सा पैसा लगा देते हो तो आप मन से पढ़ते भी हो, ये आपकी हमारी आपकी गारंटी सिक्योरिटी होती है। वैसे हमारा प्लान था पहले कि हम 5000 रुपये लेंगे सबसे सिक्योरिटी के रूप में, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका पैसा जब्त हो जाएगा, जो पढ़ेगा उसको वापस कर देंगे, ये प्लान हमारे हमने किया था। जो बच्चा डेडिकेट होकर पढ़ाई करेगा उसका पैसा वापस कर देंगे, और जो नहीं पढ़ेगा उसका पैसा रख लेंगे, नहीं देंगे उसको, पनिशमेंट हो जाएगी उसकी। लेकिन उसको नहीं किया कि भाई 5000 रुपये बच्चों के पास नहीं हो पाएगा, इतना राशि तो रखो, इतना इतना ये आपको आपकी सामर्थ्य बढ़ाएगा, आपके अंदर हिम्मत पैदा करेगा, आपकी लगन बढ़ाएगा, और आपका स्वाभिमान जागृत रखेगा। सदैव जैसे सबका खर्चे करते हैं वैसे इस खर्चे को भी आप लोग उतने ही भाव से करिए, ये हमारा योगदान है उस संभव के लिए। आप नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, हमारा बाकी बच्चे तो आपके आपके पास उस पढ़ लेते हैं, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे हमारे कोई बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ना मुझको IAS बनना है, लेकिन लगा रहे नहीं लगा रहे हैं। आप IAS बनोगे तो कोई हमको तो आपको सैलरी नहीं दे जाओगे ना कि चले अंकल दे जाए सैलरी, हम भी कहेंगे भाई हमारा बेटा जो है, हमारे क्या नाम इनका सौम्या जो है अपना बड़ा अच्छी निकल गई, हम भी सबसे कहेंगे सौम्या हमारी अपनी बच्ची है वो IAS बन गई, तो हमारे हमको एक अच्छा फील होगा, और सबसे बड़ा चीज़ है हमको संतुष्टि होगी हमारे हमारे प्रयास में, हमारे प्रयास ने भी इसमें हमारा प्रयास भी इसमें इनका सहयोग में रहा है, ठीक है ना। तो इसकी बातें आप लोग समझो कि आपके ये आपको कई गुना आपको बढ़ाएगा। अभी भैया ने कहा था ना इन्होंने कि बनो आपका मनोयोग इसका साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मनोवृत्ति जो हमारी अच्छी बनती बिगड़ती है खराब होती है इसमें इसका बड़ा योगदान होता है। आपका मनोबल हाई रहेगा, आपका स्वाभिमान हाई रहेगा, गिरे हुए स्वाभिमान लंगड़े पैर से कोई आदमी पहाड़ नहीं चढ़ पाता है, ठीक है ना। अपने अपने मनोभावनाओं को अपने स्वाभिमान को भी जिंदा रखो। 2000 रुपये में वो भी UPSC के लिए एक देना कोई बहुत बड़ी, साल भर में एक बार, ये छोटी मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है रुपये, लेकिन ये क्या है आपके आप स्वाभिमान को आपको आपको अंदर को से आपको मजबूत रखेगा। चलिए
अब कोई जी 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 सर प्रणाम सर प्रणाम सर, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ सर, बिहार से। सर मैं ये साल यहाँ पे सर टाइम गुजार चुके हैं, तो सर कुछ बातें हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे हम मतलब और क्या नाम है? राजेश जी आपका आवाज लैग कर रहा है थोड़ा, नेटवर्क कनेक्टिविटी अपना देख लीजिएगा, आपका आवाज लैग कर रहा है। हाँ अब थोड़ा बेटर है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हम बोल रहे थे कि हम किसी प्राइवेट संस्था से गए थे और उससे और एक दो से कंपेयर करके उनको 25% मिला था वहां से। यहां सर मतलब इतना अच्छा माहौल कि हमें कहीं गांव पे मतलब दोस्त भी मिल रहे कि जिससे कि हम बात कर सकते हैं किसी के बारे में। हम सारे ठीक हम लोग प्रैक्टिस भी किया कुछ दोस्तों से मिलकर यहाँ के स्टूडेंट से। आपका लास्ट वाला बात नहीं समझ पाए, वो लैग कर रहा था आवाज। आपको कुछ डाउट है तो डाउट अपना पूछ लीजिए। देखिए क्या नाम बताया इन्होंने अपना, राजेश जी। संभवम ना एक जो इनिशिएटिव है ये हम लोग एक भाव के साथ शुरू किए हैं, और यहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा ही संभवम इंस्टीट्यूट में, जो जो अपनी यूनिकनेस है, जो अपनी यूनिकनेस है संभव में, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सिंपली ऐसा समझिए कि जो आपको सर्वर एंड मेंटेनेंस चार्ज देने होते हैं, अभी अनिल सर बात कर रहे थे कि जैसे बच्चों के अंदर वो स्वाभिमान होना चाहिए, तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप 1000 बच्चों के अंदर सेलेक्ट होइए, वो भी आपका एक स्वाभिमान होगा कि मैंने 1000 बच्चों के अंदर सेलेक्ट होके अपना लिया है, तो वो आप फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। फिर बच्चे कर ही रहे हैं और इवन नए बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। और ये जो अभी आपने बताया कि संभव काफ़ी बेटर कर रहा है, तो संभव शुरुआत ही हुआ है वैसे बच्चों के लिए जो जिनके अंदर फायर है, डेडिकेशन है कि मुझे UPSC करना है, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली वो उतने साउंड नहीं है, उनके लिए हम लोग ने शुरू किया था संभव। और आप एक बार सोच के देखिएगा, अभी मैं पढ़ रहा था, एक बच्चों का कमेंट था, मुझे नाम नहीं याद है, वो उसने लिखा था कि ये तो रिचार्ज, एक साल के रिचार्ज का भी पैसा नहीं है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। आप मोबाइल में मिनिमम 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, मिनिमम 200 रुपये का, इससे कम कोई नहीं रिचार्ज कराता होगा। अगर 200 रुपये को 12 से इंटू करते हैं तो 2400 रुपया होता है। संभव आपसे कितना ले रहा है? 2100 रुपया। और वो अदर जो पार्ट है वो तो गवर्नमेंट की पार्ट है, GST है, तो उसका तो हम नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब आपके एक साल के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम में दे रहा है संभव आपको इतनी अच्छी कोचिंग। ये और कहीं नहीं संभव है, ये सिर्फ संभव में ही संभव है। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। और हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी रहती है कि सर्वर चार्ज देना है, इतने अच्छे टीचर्स को लाना है। अब जैसे टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक एक टीचर्स की एक एक दिन की एक एक आवर की 40,000, किसी की 25,000 रेट है, चार्ज करते हैं वो हमारे यहाँ नॉमिनल चार्जेस, फ्री में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको भी हमको पे करना पड़ेगा उतने अच्छे टीचर्स को। तो वो तो एक लिमिट, उतना तो मिनिमम अमाउंट चाहिए इस सस्टेन करने के लिए। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिए। और कोई डाउट हो, जो रेलेवेंट डाउट हो, वो आप लोग पूछिए, मुझे उसको एड्रेस करने में ज्यादा खुशी महसूस होगी। पहले कौन बोले थे?
देखिए अभी जो हमारे सबसे पहले बोले भैया रोबिन ने इतना अच्छा मतलब उन्होंने काम की बातें की, काम की बातें की, पढ़ाई के बारे में बातें किया उन्होंने कि हाँ हमको आंसर की नहीं पा रही है, ये बातें पूछ लगती हैं। कुछ चाहते हैं कि तुम कहो हमसे क्या क्या चाहिए, पुस्तक गलती से हो रही हो कहीं पर, लेकिन हम उसमें नहीं, हाँ हम उसमें बहुत खुश होते हैं कि बच्चा आंसर सर को ये पढ़ा दीजिए तो हम तारे तोड़ लाएंगे आपके लिए, ये विश्वास करो। लास्ट लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था अपने सुपर 200 बच्चों के साथ, उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक चाहिए, तो जस्ट वी आर प्लानिंग, हम लोग उसको प्लान किए हैं, फिर उस पर वर्क किए हैं और वी आर डूइंग दिस, हम लोग उसको कर रहे हैं। स्पेसिफिक अपने कुछ यूपीएससी सेलेक्टेड मेंटर्स को बुलाएं, अपने कुछ कुछ वैल्यू एडिशन चीज़ें हम लोग किए हैं, फिर अभी भी वो ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो आपका अगर कमेंट और फीडबैक अगर सजेशन अच्छा आता है तो वी विल डेफिनेटली डू इट। जैसे कुछ कुछ बच्चों का लास्ट ईयर 2022 में आया था कि सर ये स्पेसिफिक टीचर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कि सर आप इसको इनको चेंज कीजिए, तो हम लोग ने चेंज किया उस पर, मैं हम लोग ने काम किया कि जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश मीडियम में और ज्योग्राफी का, तो हम लोग ने वो चीज़ किया। तो आप लोग बात अगर आपको लगता है कि संभव में बेटरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इस बार हम लोग बैच देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको वही पुराने वाली बैच, नहीं आपको एक्सक्लूसिवली 2024 के बैच मिलेंगे और उसमें काफ़ी नए टीचर्स भी आएंगे आपके साथ, वो हम लोग आपके फीडबैक सजेशन पे वर्क करेंगे। तो आप अपने आप को देखिए कि हमको क्या मिल रहा है, एक छोटी सी चीज़ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके एवज में कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है ये देखिए। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोचिए, ये नहीं कि यार हम दिक्कत तो सबके पास होती है, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए आपको अगर यूपीएससी का सपना देखते हैं, सबसे मिनिमम से मिनिमम चीज होती है पेपर खरीदना, वो आप खरीदिएगा कि नहीं, कितने का आता है पेपर, एक महीने में लगभग 300-350 की बिल आती है, आप अगर 300 रुपया अगर महीने में नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो अब तो आप बेकार यूपीएससी का सोच रहे हैं, फिर कैसे कीजिएगा। फिर आपके अंदर वो गट्स होनी चाहिए जो आपको फ्री में पढ़ाए, तो अपनी एबिलिटी दिखाइए, अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए, जो नॉर्म्स है उसको तो मिनिमम करना होगा, दो में से तो कोई एक करना होगा आपको। आप लोग आप लोग अच्छे से करो और कल आप हमारी ताकत बनिए, हमारी आप विश्वास बनिए, ऐसा बनिए ना कि आप लोग जो कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है आप मुझे पढ़ने बारे में बताओ सर क्या मतलब, मुझे आप बिल्कुल निसंकोच बताइए कि क्या आपको क्या और कराते हैं कि आप निकाल ले जाओ, ये बोलो कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन थोड़ा अपना लगाओ तन मन समय और धन ये लगाओ, हमको भी जब आप बन के आओगे तब आपसे कहेंगे भाई चलो ठीक है आप भी जाके कहना ये आपका समझो योगदान होता है, जो पैसा आप थोड़ा सा देते हो 2100-2200 रुपये देते हो आपका कंट्रीब्यूशन होता है जिससे चल जाता है काम। आप कल गर्व से कह पाओगे कि संभोम वाज माइन, अपना बताओगे, ये नहीं बताओगे हाँ अनिल श्रीवास्तव सर का था, अखिलेश सर का था, पीयूष सर का था, मनीष सर का था, ये नहीं बताओगे, अपने बताओगे कि संभोम वाज माइन, हमारा संभोम था, हम चाहते हैं हर बच्चे के अंदर भाव पैदा हो जाए और जो जिस सामर्थ्य का है सामर्थ्य लगाओ अपने आप, इतना इतना इसको इतना आगे ले जाओ कि सारे लोग कहें कि भाई लोग तरसे संभव में आने के लिए। अभी चूंकि हमारी रीच बहुत नहीं ना कि बहुत आप लोग बातें करते नहीं करते होगे बातें लोगों से, भाई संभव पढ़ते हैं हम लोग, करना चाहिए माउथ टू माउथ इसका कीजिए, बताइए लोगों को और लोग फायदा मिलना चाहिए, इतना सारा पैसा लोग शोषण करते हैं बच्चों का, पैसे जिस पर पैसे होते हैं खींच लेते हैं उनका, हम लोग देते हैं ना कोचिंग में क्या करते कैसे कैसे लेते हैं पैसा, तरह तरह के नाम लेकर खींच लेते हैं पैसा, शोषण करते और पढ़ाते कुछ नहीं, खाली नाम लेकर बैठे रहते हैं कि हाँ उनको दे दिया इतना इतना मटेरियल दे दिया, पढ़ा करके 1000-2000 रुपए का मटेरियल उठाकर दे दिया उनको और 2-3 लाख रुपए उनसे ले लिया, आदमी बच्चा उलझा हुआ कहा हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं घर में बता रहा है फोन कर रहा है पापा मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बिजी हूँ, ये चलता रहता है, देखते हैं कुछ नहीं कोई क्लासेज नहीं चलती, क्लासेज में यहाँ पर जो अटेंडेंस होती है इतनी कम होती है कि एक क्लास में जहाँ पे 500 का एडमिशन होता है एक क्लास में एक एक बैच में वहाँ पर 5-10 बच्चे नहीं भी होते हैं, यहाँ ऑफलाइन देखते हैं हम लोग। और आप लोगों का सौभाग्य यह है कि आपके संभव के माध्यम से यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं
और जिस टीचर की बात आप कर रहे थे कि एक दिन में उस टीचर की 50,000 रुपये उसकी इनकम होती है, हमारे यहाँ के जो टीचर है, एक घंटे का, एक दिन का अपना, एक हमारे हमारे यहाँ से इनका, हम लोग कम से कम 25-30,000 रुपया पर डे हम लोग टीचर्स को पे करते हैं। आप सोचो कितना पैसा होता है, 365 दिन से गुणा भाग कर लो, गुणा आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो निकाल लो, कितना पैसा लगता है यहाँ पर। तो इसको अपना कंट्रीब्यूशन मान लो कि हम अपने समूह में लगा रहे हैं, अपने सामान के लगा रहे हैं, हमने फ्री में नहीं पढ़ाई करी, हमने इतना पैसा दिया था, कुछ सोच करके इसको करते रहो। लेकिन लगो उस पर, अगर आप लग रहे हो तो यूपीएससी बस विजिटिंग के लिए नहीं है कि हमने ज्वाइन कर लिया और फ्री था, अपना नाम दिखा दिया, घर वाले पूछे क्या कर रहे हो बेटा, हम बोले पापा हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे यूपीएससी नहीं होती। यूपीएससी में आपको तन मन समय थोड़ा सा संसाधन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ मैं डाउट्स एड्रेस कर देता हूँ, कमेंट्स को थोड़ा ऊपर करिए और इसको इनलार्ज करिए। जैसे कुछ का डाउट था कि जैसे रिमेनिंग क्लासेस इथिक्स का और सोशल जस्टिस का, तो ये हम लोग अपने जो एक साल का मैंने जो टेंटेटिव टाइम स्लॉट शेयर किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रीलिम्स की बात कराएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक याद आ रहा है आप लोग का रिमेनिंग पोर्शन इंग्लिश मीडियम का इथिक्स और इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस बचा हुआ है, और हिंदी मीडियम में इथिक्स ही बचा हुआ है और आई थिंक IR बचा हुआ है हिंदी मीडियम में, तो ये वाला पोर्शन हम लोग प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट कर लेंगे। और एक का डाउट था कि सर डाउनलोडिंग फीचर्स, तो हमारा जो ऐप अपडेट हो रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस, तो ऐप में अब डाउनलोडिंग फीचर्स रहेगा, आप उस पर कर सकते हैं, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अनाउंस किया जाएगा अभी जब हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अभी वीडियो की वैलिडिटी कब तक रहेगी संभव क्लासेस की, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट है, तो ये हम देख रहे हैं, तो ये हम लोग टीम में डिस्कस किए और इस पर डिसाइड किए कि हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, प्रीलिम्स से बढ़ा के इसको मेंस तक ले जाएंगे, मेंस 2024 का जब तक मेंस रहेगा तब तक हम लोग इसको रखेंगे कि बच्चे अपना इजिली रिवाइज कर पाए। जिसमें मैं एक मिनट बता दूंगा कि जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि आपको हम लोग जो बड़े बड़े टीचर्स को ले आए हैं और कम पैसे में ले आए हैं, उसमें हमारा एक उनसे था आपस में एक सहमति थी कि हम लोग लाइव क्लास देंगे, लाइव क्लास होगी उसमें बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, और हम जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उनको पढ़ने के लिए हम लोग 24 घंटे और रखेंगे अपने ऐप पर। बात 24 घंटे का हमारा कमिटमेंट था उनसे, 24 घंटे रखेंगे, इतना परमिशन लिया था उनसे, और इसका कोई कमर्शियल उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। कमर्शियल उसको क्योंकि टीचर्स का अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हमसे पैसा कमा रहे हैं और ये हमको पैसा कम दे रहे हैं, तो चूंकि उनको कम पैसे देते हैं हम लोग, तो हमारा एक आपस में सहमति थी कि हम 24 घंटे और रखेंगे इसको, ताकि हमारे बच्चे जो लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते हैं देख पाते हैं उनको एक्सेस मिल जाए इसकी। हमारा उनका कमिटमेंट इतना था, लेकिन करते करते थोड़ा सा चूंकि अब उनसे एक रिलेशन डेवलप हो गया, अच्छा हो गया, उनको भी समझ में आ गया कि हम लोग कमर्शियल काम नहीं करते हैं, इससे हम पैसे नहीं कमाते हैं, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, आवेशन करना बंद कर दिया है, एक आध टीचर छोड़ चले गए, उनको हटाना पड़ गया उनको, क्योंकि ज़्यादा बोल रहे थे। बाकी टीचर्स अब हमको सहमत हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा एक एथिक्स है, हमारा जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं, तो हमने उनसे कहा है कि भाई कल आप लोगों का कई दिन से आप लोगों का इशू आ रहा है कि सर कब तक रखेंगे इसको, तो हम लोगों ने उनसे परमिशन लिया है कि सर हम लोग जो है इसको जब तक बच्चों का हमारा वो नहीं रहता है मेंस नहीं रहता है इस साल का, तब तक इसको रखने की परमिशन से हो गई है और आपको हम लोग मेंस तक इसको रखेंगे। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत हो बताइए। वंशिका अग्रवाल का एक सजेशन है कि वो आंसर राइटिंग का सेशन चाहती है फॉर द सुपर 200, तो वो हम लोग प्रीलिम्स के बाद जरूर इस पे डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे, ये क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स से पहले अभी ये कराना कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, तो इसको मेंस का पार्ट है ये, तो वी विल वर्क ऑन दिस आफ्टर प्रीलिम्स। हाँ, वो हम लोग दीपांश, क्या नाम ऐसा है ना वहां जाकर पढ़ो दीपांश, तो हाँ, तो ये आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है मेंस का वो हम लोग करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, इसके लिए परेशान नहीं होना है,
संभवम टीम आपके साथ इसके लिए हमेशा है, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। हाँ बताइए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं यूपी की वाराणसी नगर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर्वप्रथम मैं सोनू सूद चैरिटी संगम टीम एवं दिया बेली फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं संगम आईएएस 2023 बैच की स्टूडेंट रही हूँ। सर मेरा हेल्थ इशू की वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, मैं 2023 का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे अपनी पढ़ाई को आगे संभव से ही जारी रखना चाहती हूँ। हाँ देखिए, आपका जो कंसर्न है वो मैक्सिमम कुछ और बच्चों का है कंसर्न, कि जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं। तो अभी हमारा सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक। तो ये जैसे सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन हम लोग इंड करेंगे, तो जो भी हमारे संभवम के स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं फिर, वो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक ठीक रजिस्ट्रेशन कर लें। तो अगर वो टेस्ट नहीं दिए हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको एक मौका दिया जाएगा, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फिर 100% स्कॉलरशिप देंगे। सिर्फ 1 रुपीज में उनको, जैसे 100% स्कॉलरशिप वाले को सिर्फ 1 रुपया पे करना है, और बाकी 98% स्कॉलरशिप वाले को आई थिंक 2478 रुपीज़ है, जो भी हो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन यही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपके अंदर वो लगता है कि नहीं मुझे मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, आई विल डू, तो आप वो 500 के अंदर के लिस्ट में आइए, यू विल गॉट द 100% स्कॉलरशिप। तो वो आपको टेस्ट देने का एक मौका मिलेगा, वो हम लोग अपडेट करेंगे आपके सेलेक्टेड ग्रुप में। कोई भी फर्दर अपडेट होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप, जो मैनेजमेंट के द्वारा अपडेट दिया जाता है, आपके रिगार्ड्स के नीचे लिखा रहता है संभव मैनेजमेंट, उसको ध्यान रखिएगा। अगर उनके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा कोई अपडेट दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई किया कीजिए। ग्रुप में खुद से अपने डिस्कशन आप लोग करने लगते हैं कि नहीं ये तो ऐसे, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे है, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इसीलिए मैंने दोनों डिस्कशन ग्रुप को बंद किया, कि यहाँ इन लोग इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि मतलब दिक्कत हो जाती है। सामने वाला अगर वो पूरा कन्फ्यूज होके फिर हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाए। तो इसीलिए आपको जो भी अपडेट देखना हो सेलेक्टेड ग्रुप देखा कीजिए, वहां हम लोग खुद ब खुद जो भी रिसेंट अपडेट होता है खुद ब खुद दे देते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अपकमिंग डेज में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रीलिम्स के बाद टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसमें आप आने का कोशिश कीजिए। 500 के अंदर अगर आ गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर अगर 98% के अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद भी फिर क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ऐप की वैलिडिटी मैंने बता दिया, हम लोग एक्सटेंड कर दिए हैं मेंस तक। जो भी पोर्शन आपका रिमेनिंग रहा है, हम लोग एक गूगल फॉर्म का वो लिंक शेयर करेंगे फीडबैक का और रिमेनिंग पोर्शन का, तो आप बता दीजिएगा, उस पर हम लोग जो भी रिमेनिंग क्लासेस हैं वो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि अभी प्रीलिम्स मोड में मैक्सिमम बच्चे स्विच कर गए हैं, तो अभी मेंस का पार्ट कराना फ्रूटफुल नहीं होगा। कोई भी डिसीजन ली जाती है आपको स्पेसिफिक देख के डिसीजन नहीं लिया, जैसे आप अभी ये सोच रहे होंगे यार मुझे तो 26 में देना है, 27 में देना है, तो मेरा तो मेंस हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी देना है मेंस, प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनको तो हमको सोचना होगा ना। तो हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं वो सारे लोग को सोच के लेते हैं, जो सारे को हेल्प हो, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी कुछ दिन विद इन 1 or 2 days वी विल शेयर द फीडबैक फॉर्म, तो उसमें आप लोग दे दीजिएगा। देखिए एक चीज मैं कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दूं आप लोगों को, जो भी 2023 बैच के बच्चे हैं अगर वो इनरोल करते हैं 2024 में, आपकी एज यूजुअल बैच की वैलिडिटी दो मेंस तक रहेगी, मेंस के बाद वो आपके ऐप से एक्सेस हट जाएगा। आप 2024 में जुड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम जैसे फाउंडेशन आपकी पढ़ाई हुई है ज्योग्राफी वैसी पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स फिर वैसे, और हम लोग बेटर करने का कोशिश करेंगे और अच्छे टीचर्स भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ होगा। ये नहीं कि उसी को एक्सटेंड कर देंगे, नहीं, हम लोग फिर से लाइव क्लासेस सारी चीजें फिर से नया करेंगे और बेटर करेंगे।
ये कन्फ्यूजन ये समझ लो आप लोग कि एक बार पढ़ने के बाद जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार हमने कोई ज्योग्राफी पढ़ लिया तो एक बार पढ़ लिया तो आपको अच्छा निकल जाना चाहिए, तो फिर तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो हम लोग भी जो टीचर्स ले आते हैं, टीचर्स आप जब पढ़ोगे दोबारा पढ़ोगे तो वही टीचर जब दोबारा पढ़ाता है तो और चीज़ पढ़ाता है, हो सकता है जो बातें आज हम जो आपसे बोल रहे हैं ये बातें पूरी तरह आपको क्लिक न करती हूँ, आज नहीं क्लिक कर रही हैं, लेकिन कभी दोबारा कभी यही बातें बोलेंगे तो आपको बातें क्लिक कर जाती हैं। ये पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का बड़ा एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर होता है। एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ाता है 100 बच्चों को और 100 बच्चे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई बच्चे कुछ क्लिक करता है तो कोई बच्चे कुछ क्लिक करता है, और सेकंड टाइम में फिर कभी पढ़ता है उसको तो कुछ और क्लिक कर जाता है। तो बार बार जो दोहराने का तिरहाने की बात चलती है, इसलिए चलती है ताकि आपका माइंड सेट किस समय किस स्थिति में है उसके अकॉर्डिंगली ही आप कुछ चीज़ों को ग्रस्ट कर पाते हैं। तो अगर आप रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर में जो हमारी क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्रेश होंगी, जितनी क्लासेस चली हमारी चली थी इस बार वो हट जाएंगी, वो ऐप से हट जाएंगी, फ्रेश क्लासेस आपको मिलेंगी और फ्रेश मटेरियल मिलेगा, उसका टीचर भी आपको अच्छे दूसरे और अच्छे और मिल जाए, बेटर टीचर की कोशिश करेंगे हम लोग, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। और हाँ, और कोई हंड्रेड के बच्चे उनको बताइए ना, नाम बोलिए। हाँ नमस्कार, बताऊँ इसमें इस बारे में कि हम लोगों ने कोशिश किया था कि इसमें रोज़ अपना कुछ टेस्ट डाल दिया करें, PYQ के विशेष रूप से कुछ टेस्ट डाल दिया करें, कुछ PYQ दे देंगे, कुछ अपना टेस्ट डाल दिया करेंगे, डाल दे करके अपना उसको वो अपना बच्चे उसको अटेंड करें, जब भी उनको मौका मिल जाए कर लिया करें। तो लेकिन वो बातें जब तक टाइम का सेट नहीं होगा, आप फिल्म देने जा रहे हो, अब अगर खाली उसको ग्रांटेड के रूप में ले जाओगे तो बात नहीं हो पाती है, इसमें टाइम का होता है, इसलिए टाइम रखा जाता है कि इतने टाइम के अंदर टाइम का भी आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमको एक घंटे में कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये सब प्रैक्टिस का अब समय नहीं रहेगा कि आप जब चाहे तो पढ़ लो, ये क्लास नहीं है। अब आपको चाहिए कि आपको विद इन टाइम फ्रेम मतलब आधे घंटे में एक घंटे में कितने क्वेश्चंस करने हैं, इन सब की प्रैक्टिस भी करनी होती है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सब चीज़ें की गई हैं। अब ज़्यादा समय लंबे समय तक नहीं रखते उसको, जब एक घंटे समय दे दिया, बल्कि हम लोग ये करते करते कोशिश करते हैं कि हम उसमें टाइम लिमिट कर देंगे कि कोई बच्चा अगर 50 क्वेश्चन हमारे हैं तो 50 मिनट से अधिक उसको ओपन नहीं कर सकता अपने पास। ये हम देखते हैं व्यवस्था की, बहुत महंगा पड़ता है हमारे लिए वो जब हम डालते हैं, वो सिस्टम डालते हैं अपने ऐप में, तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाता है वो, बहुत उसका सर्वर चार्ज बहुत सर्वर कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि 50,000 रुपये एक दिन का हो जाता है खर्चा। तो ये थोड़ा सा संभव नहीं, आपको पता है कि भाई हम लोग कोई बहुत धना सेट नहीं है ना, हम लोग तो मतलब जैसे आप लोग हो ऐसे हम लोग हैं, तो बस आप लोगों के सहयोग से, हम सबके सहयोग से सब चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी अभी करो प्रीलिम का, जैसे व्यवस्था दी जा रही करिए आप लोग, और जब टेस्ट आपको दिया जाता है टेस्ट करिए उसको, और फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, अभी हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं उसमें, तो मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों करते रहिए, और समय का ध्यान रखिए, समय के अंदर कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि उसमें हम लोग जब करेक्ट डाल देते हैं तो जितने समय तक वो क्वेश्चन रहता है उतने समय के लिए सर्वर अलग से लेना पड़ता है हमको, और एक दिन का सर्वर जो है 50,000 रुपये तक उसका खर्चा आता है एक दिन का सर्वर, अगर क्योंकि हमको पता नहीं होता ना कितने बच्चे आ रहे हैं, और ज़्यादा सस्ता ले देंगे छोटा हल्के पावर ले लेंगे तो मान लो 100 बच्चे इकट्ठा आ गए वो बैठ जाएगा बंद हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो इन चीज़ों को जो व्यवहारिक समस्याएँ हैं हमारी तरफ से उसको समझिए, तो और जो व्यवस्था भी दी जा रही है उसको करिए आप लोग। प्रीलिम का हम लोग विशेष फोकस अपना है, और आंसर राइटिंग का हम लोग इमीडिएटली आफ्टर फिल्म्स हम लोग आंसर राइटिंग का और उसके लिए अपना मेंस के टेस्ट सीरीज तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे अपना इस पर करना चाहते हैं, हमने तभी सुपर 200 के बच्चों के लिए विशेष रूप रखा हुआ था इसको, बाद में जो बच्चे 2024 में अपीयर हो रहे हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया, भाई आप लोग भी आ जाओ कोई होती पैसा देने की, तो जो हम लोग कर सकते हो तो कर रहे हैं, और इसको खैर आपकी बात देखते हैं हम, आपने बात पर कहा इसको नोट कर लीजिए भैया, आपकी बात में नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया, कोशिश करते हैं कि कम खर्चे में हमारा काम हो जाए तो उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थैंक यू। देखिए कुछ लोगों का सेम डाउट है, रिपीटेड डाउट है, तो वो आप अपने पीयर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो वार्ड में आपको शेयर कर दी जाएगा, आप देख लीजिएगा। सेम चीजें हैं कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से क्या है एग्जाम देना होगा,
कब तक ऐप की एक्सेस रहेगी, तो आप देख लीजिएगा, मैंने इसका ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया। हम फिर बोल देंगे इस बात को, लास्ट टाइम तक हम लोग फिर ब्रीफ कर देंगे लास्ट में। और किसी का अपार्ट फ्रॉम दिस ये और कोई डाउट है तो आप पूछिए। हैंडल किए हैं बोल दीजिए। हाँ पूछिए आप अपना डाउट। हाँ प्लीज प्लीज प्रोसीड। देखिए ऑप्शनल तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शनल लिया है। अगर कौन सा आपका ऑप्शनल ये बताइए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। क्या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम है? हाँ तो ये हमारे यहाँ एक्सक्लूसिवली है, तो इसको हम लोग वी कैन अपडेट, एक ईयर का हम लोग वैलिडिटी इस पे दे सकते हैं। नहीं तो देखिए कुछ ऑप्शनल क्या है कि हम लोग ने टीचर्स के साथ टाई अप किया है, तो वो हम लोग उनके रूल्स के हिसाब से, उनका क्या प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और जो अपने यहाँ हमारा ऑप्शनल है उसको हम लोग एक ईयर की वैलिडिटी दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप फिर से क्या नाम है पहले हैंड्रेज चल रही है ना, ठीक है जो हैंड्रेज है उनका हम लोग पहले वन बाई वन लेते हैं। हाँ हेलो वो क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अभी शिक्षक क्वेश्चन में कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, आई थिंक मेरे 50 मार्क्स सही थे और मुझे लग रहा था सर एक क्वेश्चन छोड़ा था ऐसे ही कुछ था। तो सर आपका कौन सा मीडियम था आपका? हिंदी मीडियम। तो नंबर आया 96.6 तक गया है तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था सर, मैंने पूछा। हां हां ऐसा है, देखिए हम आपको बता देते हैं, आप लोग क्लियर हो जाओ कि 110 के आसपास हमारे अर्थ है इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट लैब में 110 नंबर जो जिन्होंने अपना इसमें टेस्ट में लिया था पाया था उनका करीब आया था और वो फर्स्ट लैब में। इसके अलावा हमने दिया था इससे वेटेज दिया था इकोनॉमिक ग्रुप का, इनकम ग्रुप का इस पर दिया था, इनकम ग्रुप का इसमें वेटेज दिया गया था। कम जो 1 लाख से कम वाले थे उनका अलग था, जो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में थे उनका कम उसका अलग स्लैब था, जो वेटेज दिया गया था इसको अलग अलग वेटेज दिए गए थे। तो उसको मैं ऐड करने के बाद तो 110 हमारा था उसमें, क्योंकि इस बार जो नए बच्चे आए थे या हो सकता पुराने भी अपने बीच के बच्चे रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। हाँ तो बहुत अच्छा किया था लोगों ने, तो 110 हमारा था उसमें, जो जो बच्चे उसमें जो 250 बच्चे हमने इंग्लिश मीडियम लिए थे, 250 बच्चे हमने हिंदी मीडियम लिए, तो 250 हमारे जो बच्चे आए थे करीब 110 आसपास आया था, 110 था वो। बल्कि हिंदी मीडियम थोड़ा कम डाउन हुआ था, हिंदी मीडियम में वो करीब 100 क्या 98 शायद आ गया था 250 बच्चों लेने में, तो ये 110 हमारा आया था उसमें इंग्लिश मीडियम में। और आप लोग अब जब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम आपका, आपने बताया अपना नाम क्या नाम बताया? हाँ नाम क्या बताया आपने? आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक करके फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, तब बाद में दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा आप। और भी लोग? हाँ प्लीज पूछिए। और जो नेक्स्ट है हाँ नहीं वो बाकी देखिए हाँ बोलिए बोलिए। आपको करेंट अफेयर की मैगजीन और आशीर्वाद सर की क्लास दोनों चल रही है, अब आप चेक कीजिए कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत है तो आईटी सेल से संपर्क कीजिए। मंडे मैगजीन भी सर की जो मैगजीन है करेंट अफेयर की वो भी अपडेट हो रही है और क्लासेस भी चल रही है। आप कहाँ लैग कर रहे हैं ये आप देखिए।
नहीं, सब ये चल रही है, सर की क्लासेस चल रही हैं, करेंट अफेयर सबके लिए चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैगजीन सिर्फ, मैगजीन ऐप पे अपलोड भी हो रही होंगी। अगर दिक्कत है तो आप आईटी सेल से संपर्क कीजिएगा, मैं देख रहा हूँ ना। नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि इस पे मैं खुद ही सेंड करता हूँ अपनी जो हमारी डिजाइनिंग टीम है उनको, डिजाइन करने के लिए भेजने, ये करने के लिए जो आशीर्वाद सर मुझे सेंड करते हैं, तो ये मैं श्योर हूँ कि ये आता है। आपको नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप ये अपने इंड से इंश्योर कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है, आईटी और सेल पे दिक्कत आना है तो चाहिए। आईटी सेल से संपर्क कीजिए। काटे नहीं गए, किसी नंबर काटे हमने ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो और ये बातें अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है। ये बातें सब आप लोग इतना विश्वास अगर करते हो कि हम लोग ठीक कर रहे होंगे तो ठीक, शांत रहो, जो बता दिया आपको क्या। नहीं, नो, वंस एनी बडी हैज अपियर्ड इन द ट्रस्ट, उनको सेक्शन का भेज दिया गया, उसको दोबारा वो नहीं रहेगा। जो बच्चे नहीं दे पाए हैं, जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनको देंगे। और इसको क्यों आप लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो, इसलिए ना कि यहाँ पे हमको ₹24 न देना पड़े। कोई नहीं, दे देंगे उसको। आप अभी अभी टेस्ट, लेट द टेस्ट कंप्लीट, एडमिशन कंप्लीट, सेकेंड सब दे फेज देंगे। का जब आप हो कर जाएगा लेना, तो हम लोग आपको सारा दे अपडेट कर देंगे, देंगे। आपकी कॉपी दे देंगे आपको, ठीक है। सेकेंड वो सब फेज हो जाएगा, जो भी क्लासेस बची हुई है वो कंप्लीट होगी। इसके लिए आप ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होइए। ठीक है ना। हाँ, चलिए वेलकम थैंक यू। और नेक्स्ट। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, हाँ बहुत काफी टाइम आई थिंक लग गया। अभी हाँ प्लीज आप अपने। नमस्ते। एक मिनट, 24 24 बैच में सेलेक्टेड हुए हैं, आप आए यहाँ कैसे, ये बताइए पहले। नहीं तो ये हाँ हाँ बोलिए। तो अब आप इसके ये प्रश्न यहाँ पे इस प्रश्न के लिए हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है ना। वो जो होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप समझदार आदमी, पुराने से जुड़े हुए तब क्या परेशान हो रहे हो। नहीं, पूछा पिछले बैच के हैं, फिर सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, ऐसा है ना। हाँ यार, इतनी बार बता चुके ये चीज, फिर पूछ रहे हो, क्या सीरियसनेस है आपकी। लंबा मत कीजिए। ऐसा है, एक मिनट सुनिए, पहले आप लोग ध्यान से सुनना सीखिए। पहली बात, जो लोग अटेंड कर रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आभार आपको सबका, सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। कोई प्रश्न अगर जवाब दे दिया था, उसको दोबारा रिपीट ना किया कीजिए। बोल दिया गया कि आपकी जो क्लासेस हैं मेंस तक रहेंगी ऐप पर, जो पिछले साल की हैं, जो फ्रेश होंगी इस साल की 24-25 जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो अलग होंगी। वो हमारी पिछली क्लास अपने आप वो मेंस के बाद खत्म हो जाएंगी वहाँ से, ऐप से। और इस साल की नई क्लासेस इसमें अपलोड होंगी, फिर हमारी वो जो चलेंगी मेंस तक चलेंगी पिछली क्लासेस, ठीक है। और नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम कविता और मैं राजस्थान के चुनरी छोटे से गांव से। यहाँ पे मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है और मेरे से कोई शिकायत भी नहीं है। और सर धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी टीचर्स को, और इतनी कम मात्रा में ये चीजें मिली है, इतनी अच्छी क्वालिटी सर ये कहीं भी नहीं मिलती सर हमें। और सर आपने सही कहा था कि अगर 3 3 मिनट्स की वैल्यू नहीं होती है, अपनी क्लासों में देखिए सर, लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं टीम में, टेलीग्राम पे ग्रुप में सर, उतने बच्चे क्लास में 5 25 भी नहीं होते सर, उसमें सर वैल्यू नहीं पता होती है उनको। आपने क्या नाम बताया आप अपना? कविता। कविता जी, जी को बोल रही है। जी सर। हाँ और और बताइए। सर हेल्प डेस्क के
हाँ हाँ प्लीज आगे बढ़िए बताइए। आपका आवाज अब नहीं आ रहा है, कट गया शायद फिल्म। और सर मैं हेल्प टीम के भी एक मेंबर हूँ अच्छा। सर, वहाँ पे मुझे बहुत सारे चीजें सीखने को भी मिली है सर। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे मोबाइल एंड्रॉइड 1.8.1 है, उसमें संभव मेल नहीं चल रहा है सर। तो सर मैं टेस्ट भी नहीं दे पाती हूँ, और जो PDF भी होता है वो भी नहीं मुझे मिल पाता है। इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। सर न्यू बिजनेस इसको भी कर दो, क्या कर दें? 2024 वाले बीच में इसको भी सर कुछ कर दो, इसका भी समाधान। नहीं बेटा ऐसा है ना, कुछ ही ऐसी होती हैं, इसका एक न्यू वर्जन में ही चल पाते हैं और पुराने वर्जन में नहीं हो पाते हैं वो। तो इसको अपग्रेड कर लीजिए, कोशिश करिए अपग्रेड कर लीजिए। चलिए धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हैंड रेज किए अपने बताएं, कुछ लोग हंस रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि हंस रहे हैं? लाफिंग एट मी आर लाफिंग इन प्रिजर, जो लोग जिन लोगों ने डाला हुआ है ये अपना लाफिंग वाला स्माइली, वो हम पर हंस रहे हैं कि ये खुशी मुबारा हंस रहे हैं? और किसी का कोई डाउट है ना, हैंडल्स के हैं क्यों देखो। तो पूछिए तो। विश्वजीत आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ विश्वजीत जी आप इनको रिकनेक्ट इनको होइए, आप आपको आप दोबारा आ जाइएगा, किसी रिकनेक्ट और होइए। को बोलिए। नेक्स्ट प्रणाम सर, हाँ प्रणाम। आवाज तेज करिए बेटे, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ लाउडली। कितना होता है, अच्छा कितनी क्लास होती है बताओ। अच्छा आप नहीं, 2 क्लास कॉमन रूप से 2 क्लास चलती है, ठीक है ना, हर मीडियम 2 क्लास हिंदी 2 क्लास इंग्लिश चलती है। इतना चले चलना पड़ेगा क्योंकि अगर UPSC कर रहे हो तो इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं चार क्लास कभी नहीं हुई होगी, नहीं कभी कभी देखिए वैल्यू एडिशन के लिए आप वो ही अलग लोग का चीज। डिमांड आता है, तो कभी 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 ऐसा भी सिचुएशन आता होगा कि आपके घर में शादी पड़ता होगा तो आप 2-3 दिन सो नहीं पाती होंगी, तो ये तो होता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है। वो कंटिन्यू हम लोग नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ कभी कभी वो वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं। लेकिन कुछ इस बार हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि इस बार हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं और हमारे पास थोड़ा एक बफर 3-4 मंथ का टाइम है, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे। आपका सजेशन काफ़ी अच्छा था, इस पे हम लोग वर्क करेंगे और थैंक यू। हाँ हाँ नहीं, इस बार हम लोग 2 ही क्लास रखेंगे ऑन द डेली बेसिस पे, और इसको हम अपने इंड से कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को हम लोग फरवरी मार्च तक एनी हाउ कंप्लीट कर दें। हाँ फिर रिवीजन रह जाएगा इस बार, इसको हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। इसीलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सितंबर से शुरू हुआ था, सितंबर से हाँ आई थिंक, सितंबर स्टार्ट। तो हाँ हाँ ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम लोग कर सकते हैं हम अपने आईटी टेल सेल से डिस्कस करके, हम लोग डिस्कस करके अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा सेलेक्टेड ग्रुप में। ठीक क्या चीज़? है, और किन्हीं का है डाउट और नेक्स्ट लोग जो हैंड रेस किए उनका बताएं। बोलिए। हेलो जी सर,
मैं कितना आपका आपका इनकम इनकम स्लैब क्या था? स्लैब तो मेरे पास नहीं, स्लैब स्लैब क्या था? स्लैब इनकम स्लैब इनकम सर अंडर 1 लाख। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका 110 मार्क्स आपका इसमें एकेडमिक में रहा है और अंडर 1 लाख आपका है तो देखते हैं, क्योंकि ये इसी यही यही बॉर्डर था। हो सकता है आपका बिल्कुल बॉर्डर के बाद में आपका नंबर आ गया हो, ये हो सकता है। लास्ट पर्सन के बाद में आपका नंबर आ गया होगा, यही था। एक्चुअली होता क्या है, 110 मैंने इसलिए बताया, 110 के आसपास हमारा था इसमें, और उसके बाद इसमें फिर हमने स्लैब इनकम स्लैब का वेटेज दिया था, इनकम स्लैब एकेडमिक स्लैब और कहीं कहीं जो अपना पीडब्ल्यू के बच्चे थे, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको ज़्यादा दिया था। तो उसमें कुछ बच्चे को जो एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट आया ना, वो किसी पढ़ गया होगा और तो उसमें हो गया होगा। तो आप हो सकता है आप अपने अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन बाकी चीज़ ऐड करने पर और जो कुछ बच्चे आपसे का दो चार बच्चे आपसे ज़्यादा आगे हो गया उनका टोटल एग्रीगेट में, इसलिए आपको फिर इसमें 98% में आया होगा आपका। ठीक है ना, आपका नंबर में नाम नाम क्या है इनका? अंकित राज। ठीक, मैं देख लूंगा बेटा। अच्छा, लेकिन ये जो ले जिसको ले लिया गया है उसको आप लोग एक्सेप्ट एज गार्ड्स ऑर्डर, ठीक है? मस्ती ना करो, ये कोई 2% कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, सबका सहयोग लग जाता है। अभी एक और हैंड रेज है, और हैंड रेज किसका है बताइए, बोलिए। अंकुश, बोलिए अंकुश। आपका आवाज लैग कर रहा है, आपका आवाज लैग, आपकी आवाज लैग कर रही है। आपकी आवाज लैग कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दीजिए या कहीं नेटवर्क में आ जाइए। और कोई है एंड्रेज में? हाँ कोई, जी जी बोलिए। अनिकेत राज, ठीक है मैं देख लेता हूँ। वैसे आप जो मतलब वो पूरा बहुत ही फेयरली काम किया गया है, इसमें बस ये था कि हाँ नहीं बता आपको कि हमको ध्यान है कि जो हमारा लास्ट बच्चों को हमने पिक किया था उसमें से सिलेबस के लिए, वो ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छे बच्चे आए थे, तो उनका 110 के आसपास था। फिर बाद में चूंकि उसमें वेटेज दी गई ना इनकम स्लैब की, फिर पीडब्ल्यूडी की, फिर पिछड़ा करियर की कई चीज़ों का, और जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें कोई परफॉर्मेंस कहीं अच्छा रहा हो कोई, तो उसमें जो एक आध नंबर सबको दिए गए, तो उसमें होता आप बॉर्डर से कहीं नीचे आ गए उनका, तब कुछ चूँकि 250 बच्चे ही प्रिक। मैं उसको नहीं, मैं वो देखिए अंकित जी एक चीज बताते हैं आपको, आदमी गलत कर सकता है लेकिन मशीन और कंप्यूटर गलत नहीं कर सकता है। उसको जो कमांड देंगे वो आउटपुट देगा वो, तो ये आप इंश्योर रहिए कि जो आपको गया है वो इट इज फाइनल, हम लोग और उसमें कुछ गलती नहीं हुआ होगा। जिसको दे दिया काम, हाँ नहीं नहीं वो बताया था आपको, मैंने आपसे आपसे जोड़ा बताया, अभी तो बताया था ना कि वेटेज बाद में ऐड किए गए उसमें इनकम स्लैब के और उसके पीडब्ल्यूडी के और या उसका जो एकेडमिक पोजीशन थी कई चीज़ों को उसका नंबर उसमें ऐड किए गए, तो होता है मेरिट में कोई आपसे उसमें कुछ ही किसी का नंबर एक अधिक हो गया हो, या होता सेम आया हो तब भी आप 250 में नहीं आए हो, एक आपसे 200 आपका नंबर आ गया हो, ये हो गया। चलिए ठीक ठीक, हाँ उसमें कई चीज़ें ऐसी रहती है। नहीं ठीक है, हो सकता है आपका नंबर सेम रहा हो लेकिन फिर भी देना पड़ जाता है किसी को ना जो। चलिए नेक्स्ट कोई है बोलने के लिए? वेलकम।
क्या कोई आदमी अपनी फोटो नहीं दिखा रहा है, हमको चेहरा क्यों नहीं दिखाता? ये बताओ, सब लोग बातें कर रहे हो, हम लोग कहीं मिलेंगे तो पहचान लोगे? हम तो आप हमको पहचान लोगे, आपको हम कैसे पहचान पाएंगे? वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत हो रही क्या? आपकी आवाज लेग कर रही है। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। अंकुश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहीं जब ऐसी का चले जाओ ना, जहां पे वीडियो ना ऑन करना, वैसे ही आप बातें करो जहां पे नेटवर्क हो। और दूसरा कोई, दूसरे व्यक्ति कौन है बोलो भाई? वीरेंद्र, धनंजय कुमार, आप नाम लिया कीजिए ना, अपने आप किसी को ना बोलिए, आप नाम लीजिए। बोले भाई अपना आप बताए, नाम भी दिया करो ना, बोल दिया कीजिए। धनंजय, धनंजय कुमार आप बोलिए। साई नीतीश, साई नीतीश, यस सर। सर प्रीवियस पे सर 2023 स्कॉलरशिप प्रॉब्लम सर। ओके, सो आई पेड 2000 फी फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम फॉर बी सर। सो एट माय डाउट इज दैट इधर इज एंड दैट वी शुड हैव टू जॉइन अगेन फॉर 2024-25 स्कॉलरशिप प्रोग्राम। या And sir, we need to pay from maintenance visa. Again, I had attended the exam test and I qualified again for 19% scholarship, sir. So, bro, to access the classes, I should have to pay again the fee, sir, or we can access the class. Yes, you have to pay the fee because it's just maintenance charges of server, okay? And this is also will have be treated as a contribution, like you go to any worship and take the prasad, okay, and pay something like in the donation part. It is same to same. You people are our senior members. You have to work not only for yourself but also for the betterment of Sambhum and helping Sambhum. Okay, sir, No. You have to pay if you want to continue with us in the next year, next session. You have to deposit your fee within the time. Otherwise, you will not be able to continue with us because we have limitations of the seats. And if you do not join in this session, new session, it will be your seat will be given to anybody else. Yes, it will be completed. The whole service. Thank you, sir. Welcome. Dhananjay Kumar. Hello, good evening, sir. Good evening. Sir, yes, sir. Somehow we are planning to give a 2% relaxation for the 3 hours because we have got 98% in slab 2 in the test. आप धनंजय देखिए, धनंजय नहीं, धनंजय जी, हमारा पीडब्ल्यू का जैसे सारे एग्जाम का एक अलग क्राइटेरिया रहता है, उसमें थोड़ा सा मार्क्स कम जाता है कट ऑफ, तो हम लोग ने भी ऐसा ही किया है, तो अगर उसमें अगर आप कंसीडर हो गए होंगे तो यू विल गेट। जो हम लोगों ने मेरिट बनाई है धनंजय, जो मेरिट बनाई है ना इसमें सिलेक्शन की स्लैब की, उसमें हमने हर चीजों को कंसीडर किया हुआ है। नहीं, आप क्या नहीं आ रहा था, ऑप्शन का था तो उसमें डिपॉजिट करने का। हाँ, ट्रिब्यूटी का जैसे और ऑप्शन आ रहा था,
नहीं नहीं वो एक्चुअली ऐसा नहीं, उसको हमने अलग से कोई कैटेगरी, अलग से कोई उसका नहीं बनाया हुआ है, जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमने हर जो जैसे इनकम ग्रुप हो गया, एकेडमिक ग्रुप हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इन चीज सबको एक वेटेज दिया अलग से, उसमें ऐड किया है आपके जो आपने मार्क्स अटेंड किए थे उसमें अपने टेस्ट में, उसमें ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो टोटल एग्रीगेट आए हैं उसको कैटेगरी हमने मेरिट बनाई हुई है, ये किया हुआ है। आपके आपके सर्टिफिकेट का वेटेज आपके आपके मार्क्स में मिल गया है, आपके आपकी उसमें जो हमने अपना मेरिट बनाई है उसमें दिया गया है। आप हो सकता है उसमें 1% में नहीं आ पाए होंगे, सॉरी 100% में, फिर भी आपका देख लेते हैं। आपका स्पेशल केस देखिए धनंजय, आपका स्पेशल केस है, आप ना अपना कंसर्न संभव आईएएस पे मेल कर दीजिएगा, मैं उसको पर्सनली देख लूंगा। अपना सर्टिफिकेट कितने परसेंट का आपका है, कितने परसेंट का है आपका, आपने परसेंट का शो किया था क्या उसमें? नो नो आई डोंट मीन टू दैट, मेरा मतलब ये है कि आपका जो पीओडी सर्टिफिकेट है वो कितने परसेंट का है? 54%। तो आप एक काम करना, अपना अपना मेल डाल देना। अच्छा भैया आप आपसे कह दिया गया ना, आप अपना मेल डाल देना उसमें और अपना सर्टिफिकेट उसमें डाल दे दिया, दे देना, मैं उसको पर्सनली देख के रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपका स्पेशल केस है, वी विल डेफिनेटली कंसीडर इट इफ इट इज जेन्युइन। थैंक यू दीपेश। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ दीपेश जी, गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हाँ दिवेश जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम 2024 के लिए यदि हमारे सर जो ऐप में जो हमारा 2023 का है वो आप बता रहे हो बेस तक रहेगा सर, तो 24 का लेने के बाद वो हट जाएगा जारी रहेगा बेस तक? देखिए एक चीज मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, काफी लोग कंफ्यूजन में हैं, इसको अच्छे से पहले सुन लीजिए आप लोग सारे लोग, हो सके तो कोई रिकॉर्ड कर लो, मतलब डाउट इसको क्लियर कीजिए। अभी देखिए, अभी आप लोग का 2023 बैच का एक्सेस है, वो प्रीलिम्स नहीं मेंस तक हम लोग उसको एक्सटेंड कर दिए हैं, पॉइंट नंबर वन। अगर आप 2024 में एज इट इज इनरोल करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन स्लैब वन में हुआ है या स्लैब टू में हुआ है तो भी आपका वो कंटिन्यू रहेगा एज इट इज 2023 बैच, ठीक, यहां डाउट क्लियर कीजिए, वो कंटिन्यू एज इट इज रहेगा मेंस तक और ये आपका पैरेलली चल रहा है, ठीक। अगर कोई नहीं इसमें इनरोल करता है तो उनका सिर्फ 2023 बैच ही दिखेगा मेंस तक, उनको 2024 का एक्सेस नहीं मिलेगा, 2024 अलग बैच बनेगा, अलग पैकेज बनेगा, सारी चीजें आपको फ्री से शुरू होगी, ये नहीं कि उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो मेंस तक रहेगा, वो एज इट इज रहेगा मेंस तक, मेंस के बाद सबका वो एक्सेस हटा लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और 2024 बैच वाले स्टूडेंट्स को फिर से सारी चीजें नई, जैसी क्लासेस चलती जाएंगी वैसे हम लोग अपडेट करते जाएंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक अब सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज पोर्शन का एक्सेस वाला। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अब जल्दी जल्दी आप 2 मिनट में सारी बातें कह लीजिए अपनी बातें, फिर हम लोग अपनी बातें कहेंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे, इसके बाद अभी अपना कुछ क्लास वगैरह है। हाँ वैष्णवी बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग वैष्णवी। देखिए इसके पीछे का मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे हमारे पास काफी कंसर्न आता है कि हमारे पास अक्रॉस इंडिया से बच्चे जुड़ते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं, कुछ साउथ के रहते हैं। अभी आपके बैच की मैं बात बता रहा हूं, 2023 बैच में लगभग 200 बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के,
तो उनका क्या कंसर्न रहता है कि अगर क्लास में टीचर हिंदी बोलते हैं तो वो हमारे पास मैसेज करने लगते हैं कि नहीं सर, मैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा या मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग ने ये प्लान किया कि जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो न इंग्लिश में चलेगी न हिंदी में चलेगी, जो चलेगी वो एक्सक्लूसिवली चलेगी, अगर हिंदी तो प्योर हिंदी, इंग्लिश तो प्योर इंग्लिश। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मीडियम अपना चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखना है। तो आई थिंक प्रैक्टिस करिए, अगर सुनने की क्षमता नहीं पैदा करेंगे अपनी ना समझने की इंग्लिश को, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू विद इंग्लिश। ठीक है, आपको कन्वीनियंट रहता है समझने में कि अगर कोई आदमी हिंदी बीच में बोलते, लेकिन आपको अब प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम चुन रही हो तो। नेक्स्ट नेक्स्ट बट लास्ट नेक्स्ट बट लास्ट गुड इवनिंग हाँ बोलिए सर। वो बोल रहे थे एग्जाम बहुत महंगे में ले लिया था जिसकी वजह से मैं एग्जाम को नहीं दे पाया और मैं इस ईयर वो अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ। अब ऐसा है ना, उनसे अंकुश से बता दीजिए कि अगर उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ है तो बोल रहे हैं कि एग्जाम दे देंगे तो फिर हम एग्जाम पे नहीं लगाऊंगा, तो ये इसकी गारंटी हम नहीं देने जा रहे हैं किसी को कि अगर ये कंडीशन रखेंगे हम एग्जाम दे देंगे लेकिन हमारा 98% में होगा तो हम पेपर पेमेंट नहीं करेंगे, इसी गारंटी में लेते हैं। ठीक है, जो 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 डिसिप्लिन हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, सब सोच समझ बनाए जाते हैं और उससे कोई समझौता ना हम करते हैं ना आप करिए। ठीक है, ठीक है ना, अगर वो अपियर नहीं हुए थे, अपियर हो जाए, कोशिश करें कि 100% पे आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक रुपया जमा करना रहेगा, एक रुपया जमा कर देंगे वो, कोशिश करें भाई। एक साल से पढ़ रहे हैं तो हम शुड मेक एफर्ट्स कि वो उसमें आ जाए, मेरिट लिस्ट में आ जाए, वन स्लैब वन के मेरिट पर आ जाएंगे, बोस्ट वेलकम। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं 98 में हमारे हैं, हमें पैसा नहीं देंगे मगर, तो ये कंडीशन हम नहीं चलने वाली है। जो कुछ नियम बनाए जाते हैं बड़ा सोच समझ के हर चीज़ को सोच किया जाता है, हमको अपना फाइनेंशियल भी देखना है, आपका पढ़ाई देखनी है, हमको ठीक है पैसा फ्री कर देते हैं पढ़ाई बंद कर देते हैं, मजा आएगा क्या, उल्टे पुल्टे टीचर से पढ़ाना शुरू कर दें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो कि जो कुछ बनाया जाता है यहाँ पर, बहुत हम लोग इतना अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का अपने स्तर से अधिक, मैं हम लोग आपके स्तर पर लेवल पर जा करके बातें करते हैं, सोचते हैं कि बच्चों के क्या कंसर्न्स हैं क्या नहीं है। ठीक है, सब कुछ सोच समझ के तब करते हैं, इसलिए उन चीज़ों पर आप लोग सहयोग करो, आपका संभव है, ये ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे। एक साल की तैयारी में कोई बच्चा बहुत रेयरली कोई कंप्लीट कर पाता है। आपका लेवल ग्रो हो आप बढ़ेगा तो हम लोग आपके लेवल पे आकर के फिर और अच्छा पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखो, विश्वास करो। जैसे सुपर 20 स्टार्ट किया गया तो उनके लिए स्टार्ट किया गया, जो बच्चे अच्छा निकल के आए थे, जिनकी तैयारी हो गई थी, तो उनको फील हो रहा होगा कि मतलब उनको फाउंडेशन से ऊपर की बातें मिल रही हैं उनको, और अच्छी जाएंगे तो उनको हम मेंस का फिर इंटरव्यू का क्या क्या नहीं करेंगे, हम लोग सब करने के तैयार हैं। आप अपने अपना लेवल बढ़ाओ, हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लेवल पर हम लोग आएंगे। बस ये कि कोई आदमी इंडिविजुअली करेंगे नहीं, हमारे सर ये कर दीजिए, तो वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ इतने सारे बच्चे हैं तो हम लोग एक समूहगत निर्णय लेते हैं कि सारे पूरे समूह को फ़ायदा मिल जाए। इंडिविजुअली सपोर्ट के लिए हमारे मेंटर्स हैं, आप लोगों को अवार्ड किए आते हैं, कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उससे संपर्क कर लीजिए, आपको पर्सनल हेल्प वहाँ से मिल जाएगी करेगी। अब हम इसको ख़त्म करने के पहले अपनी बातें कहना चाहते हैं आप लोगों से, डाउट है तो देख लीजिए। अब नहीं, वो गेट डाउट सारा क्लियर कर दिया, बाकी आप लोग करते रहेगा, हम अपनी बातें आप लोगों से कह सकते हैं कुछ, परमिशन है? श्योर सर। अच्छा चलिए, तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि आप लोग ये मान चलो कि संभवम इज योर्स, ये किसी अनिल श्रीवास्तव का, किसी अखिलेश का, किसी पीयूष का, किसी मनीष जी का नहीं है, कोई सोनू सूद का नहीं है। ठीक है ना, और स्पष्ट कर लो कि यहाँ पर किसी की एक रुपये की फंडिंग नहीं होती हमारे पास, हम सारा खुद जनरेट करते हैं, दिया दिल्ली खुद सारा फंड जनरेट करती है और बेस्ट फैकल्टीज लेके आती है आपके लिए, और जो बाकी कोचिंग नहीं कर पाते हैं
हम लोग हो सकता है जो कुछ सोचते हैं उस पर 90% भी अचीव कर लेते हैं, तो मान लेते ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ प्लान करते रहते हैं आपके लिए, बैठ के हम लोग मंथन करते रहते हैं क्या और बेटर किया जाए, जो कोई नहीं देता रहता वो सब चीज़ हम लोग सोचा करते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड दूसरा है, हम आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं, हम आपको आईएएस बनाने के लिए आए हुए हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो ये मान चलो कि ये आपका है, आपके साथ में आपके संपर्क में बहुत सारे बच्चे होंगे जो बनना चाहते हैं, उनके पास समर्थ नहीं है, पैसे नहीं है बाकी उसमें जाने के लिए, तो आप उनको बचाइए, उनके पैसे कहीं जो समर्थ वाले हैं कहते नहीं हम तो वहाँ कर लेंगे पैसा 2 लाख रुपये जमा करके हम वहाँ कोचिंग ले लेंगे, उनके पैसे को बचाइए। आप कोशिश करिए कि ऐसे सामर्थ्य वाले हो या बिना सामर्थ्य वाले हो, जो आपके संपर्क के बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि संभवम इज वर्किंग फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी हु आर हैविंग सफिशेंट अमाउंट टू पे टू हायर टू वेरी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एबल टू पे एनी फीस फॉर द कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हम आपका पैसा बचाना चाहते हैं, और तो आप हमको बचाइए, हम आपको बचाते हैं। जो बातें कही जाती हैं, मान चलिए कि हम लोग आपके लेवल पर जाकर के हम लोग सोचते हैं कि कोई बच्चा कैसे कोई जमा कर पाएगा, बाकी तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम लोग टीचर ऐसे मतलब संस्थाएं ऐसी हैं जो फंडिंग फंड इकट्ठा करती हैं बच्चों से, 50,000 बच्चों का एडमिशन ले लेती हैं, कितने में 5,000-10,000 रुपये लेकर के एडमिशन ले लेती हैं। मालूम होता है कि उसके 50,000 एडमिशन उन्होंने ले लिया, 500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया, 150 करोड़ में टीचर रख लिया, खाली कुछ नहीं करते, उनके बच्चे पढ़ने नहीं आते। तो हमारे यहाँ ऐसा न तो अपना आप मन के बना के आना, न हमारा मन ऐसा होता है, हम आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं, फंड इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हुए हैं, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, हमें उतना पैसा जो मिलता रहे जिससे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो समय की टाइम की बेस्ट चीज़ें होती है आपको अवेलेबल कर सकें। पिछले साल हम लोगों ने जो किया होगा इस बार इस सेशन में उससे अच्छा करेंगे, ये जानते हैं, विश्वास करिए कि हम लोग उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस बार, और जो बच्चे पिछले साल में कोचिंग लिए हैं जो इस साल में कोचिंग लेंगे उनको फील होगा कि हाँ बेटरमेंट हुआ, और हर साल बेटरमेंट होता रहेगा। आप लोगों से निवेदन ये है कि हमारे पैसे को, हमारे सामर्थ्य को, हमारे प्रयास को, या अपने भी जो अपने अंशदान किया हुआ है उसको व्यर्थ में न जाने दीजिए, डोंट वेस्ट इट। इफ यू आर डूइंग यूपीएससी, आप यूपीएससी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो पूरे मन से करो, पूरे मन से करो, जब मन से करोगे तो आपको लगेगा हाँ हमको ये बेटर हो सकता है। आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए, देख के पढ़ाई पूरा कर लिए चले गए बैठ गए, अरे कुछ सोचो ना, दिमाग चलाओ अपना कि और क्या अच्छा सकता है, हमको बताओ, हमारे तो आप बढ़िया स्रोत हो जाएंगे कि हमको बेटरमेंट करने के लिए, आपका फीडबैक हमारे लिए फायदेमंद होगा। और ये मान कर चलो कि ये संभव आपका है, इसके संचालक आप लोग, मैनेजमेंट हम लोग इधर बैठते जरूर है, लेकिन इसकी सारी सामर्थ्य सारी प्राण आप लोग, पूरा जान इसकी जो है ना वो आपका विश्वास है, आपका प्रयास है। जिस दिन आप लोग निकल के आओगे, सफल होगे, तो समझिए कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा खुशी हमको भी होगी, चलिए हमारे प्रयास जो थे वो सफल हुए। आप लोग जितने अपने संपर्क में लोगे, हर आदमी से, हर मित्रों से कहिए कि हर आदमी कम से कम 10 नए लोगों को इसमें रजिस्टर करावे और तैयारी के लिए प्रेरित करे। ये कसम हमको एक संकल्प ले जाइए, सारे बच्चे यहाँ के अपने संभव के सब संकल्प लें कि हम लोग 10 नए बच्चों को इसमें संभव में जोड़ेंगे, हमको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका मैक्सिमम उपयोग करेंगे, हम सब कुछ भरते रहें आप पढ़िए नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, उसका उपयोग करिए आप लोग, उपयोग करोगे तो कुछ नई बात आपको बताओगे सर ऐसा और इतना अच्छा कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का घर है, ये परिवार है, आपकी संस्था है, आपका ये संगठन है दिल्ली फाउंडेशन, आप लोग निसंकोच अपनी बातें कह सकते हो, लेकिन कोई जीत मत किया करो, कोई बातें अगर कही जाती हैं आपसे, आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने कहीं ग्रुप में डाला हो हम लोग उसको कंसीडर न करते हो, कंसीडर नहीं करते ये मत सोचना कभी भी, आपकी हर बात, हर व्यक्ति की हर बात समझी जाती है, उसको स्वीकार किया जाता है, जो उसमें जो कुछ हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं, ठीक। ओके, दिस इज 9:00, आप लोगों को सभी लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग ज्वाइन करिए इसमें बिना संकोच के, आप लोग इसमें 24-25 ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, यू विल बी ए गुड बेटर स्टूडेंट, और हमको आपको लेकर के फिर आगे तक जाना है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए,
आप लोग 24-25 में ज्वाइन करिए। थैंक यू।